तो सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं डिफाई ट्रैम्पोलिन पार्क में जो है डम वाटर वॉशिंगटन में। और मैं पहले से ही पहन कर आया हूँ मेरी ये चिपकू सॉक्स। हाँ, ये मुझे फिसल कर गिरने से रोकते हैं। आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आप और मैं सीखने जा रहे हैं ABC। वो जरा इस जगह को देखो, ये जगह है ऑसम। हे, ऑसम शुरू होता है लेटर ए से। हवा में ऐसे कूदने में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। एयर, हाँ एयर शुरू होता है लेटर ए से। देखो तो मैं हवा में बाउंस कर रहा हूँ। बाउंस, बाउंस शुरू होता है लेटर बी से। हाँ ए बी। वो ये हम चले। आपने देखा, ये थी एक बैक फ्लिप। एक और बार करता हूँ। बैक फ्लिप शुरू होता है लेटर बी से। ए बी। ये देखिए, ये है एक ब्लैक बास्केटबॉल। ब्लैक और बास्केटबॉल शुरू होते हैं लेटर बी से। मैंने की है एक बास्केट। बास्केट भी शुरू होती है लेटर बी से। मुझे तो थकान हो रही है, मुझे करना चाहिए क्रॉल। मैं क्रॉल कर रहा हूँ। हे, क्रॉल शुरू होता है लेटर सी से। ए बी सी। हाँ, सी है हमारा अगला लेटर। हाँ, वाव। हे, मैं अभी नकल कर रहा हूँ एक कैट जैसी। म्याओ, म्याओ। कैट भी शुरू होता है लेटर सी से। वाव, वो। वो अब जरा इस एरिया की ओर देखो, ये लग रहा है डॉज बॉल का एरिया। वो लगता है यहाँ पे कुछ ओपोनेंट्स भी है इस डॉज बॉल एरिया में। डॉज बॉल शुरू होता है लेटर डी से। डॉज बॉल एक मजेदार गेम है। वाह, आपको ये बॉल्स लोगों को मारने होते हैं। वाह, ओके चलो मारते हैं। ठीक है से। लगता है वो एक डबल टीम है। डबल टीम शुरू होता है लेटर डी से। बच के रहना, मैं फेंकने वाला हूँ। मैं इन बॉल से बच रहा हूँ। चलो यहाँ से भागते हैं। वाव, अब तक हमने लेटर सीखे ए बी सी और डी। ये इंग्लिश अल्फाबेट के पहले चार लेटर हैं। मैं नकल कर रहा था एक ईगल की। ईगल शुरू होता है लेटर ई से। आपको कोई ऐसा एनिमल पता है जो शुरू होता है लेटर ई से? मुझे पता है, वो बहुत ही बड़ा है, ग्रे रंग का है, उसे सूंड और दांत होते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट ये भी शुरू होता है लेटर ई से। वाओ, ये ट्रैम्पोलिन पार्क तो बहुत ही फन है। हे, तो हमारा अगला लेटर है एफ। हाँ, फन शुरू होता है लेटर एफ से। वाओ, ऑलराइट, चलो होते हैं
फॉल या इस फोम में। फोम और फॉल दोनों शुरू होते हैं लेटर एफ से। हाँ, बहुत ही मजेदार था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वो उस रॉक वॉल के पास। हे, जरा इसे देखो, ये रही हमारी रॉक वॉल। मैं मेरे हाथ और उंगलियों की मदद से ग्रिप बनाऊंगा इन रॉक्स पर। हे, ग्रिप शुरू होता है लेटर जी से। वाओ, हे, मैं गोरिल्ला जैसे चढ़ रहा हूँ ना। मजा आ गया, मुझे एनिमल्स की नकल करना पसंद है। हे, एनिमल से याद आया, गोरिल्ला को पसंद है हैंग करना। या, हैंग, मैं हैंग कर रहा हूँ। हैंगिंग शुरू होता है लेटर एच से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत ही मजा आ गया। इसे देखो, ये लग रहा है एक हैंड। वो हाँ, हैंड। हैंड भी शुरू होता है लेटर एच से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत मजा आ गया। हे, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, अब तक हमने सीखा ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ओके, अगला लेटर कौन सा है? आई। हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। आई। यह बहुत गर्मी लग रही है। काश मेरे पास होते आइस क्यूब्स। वो बहुत ठंडे होते हैं। या एक इग्लू। जे से होता है जंप। ठीक है। वो हे, एक और शब्द है जो जे से शुरू होता है, वो है जगल। इनके साथ करतब करना मुश्किल है, कोशिश करते हैं। बहुत ही मजेदार था। हे, चलो आगे चलते हैं। मैं एक एनिमल की नकल कर रहा हूँ। बताइए मैं किस एनिमल की नकल कर रहा हूँ? मैं नकल कर रहा हूँ एक कैंगरू की। कैंगरू शुरू होता है लेटर के से। वो जरा इसे देखो, मैं उड़ा रहा हूँ एक काइट। तो काइट भी शुरू होता है लेटर के से। ये रहा एक और शब्द, किक। मैं इन फोम क्यूब्स को किक कर रहा हूँ। ठीक है। एक सेकंड रुको, हमारा अगला लेटर बताता है कि मैं इस जगह के बारे में क्या सोचता हूँ। L, I love this place। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो, आपको किस चीज से प्यार है? शायद आपको प्यार हो अपने भाई बहनों से, शायद आपको प्यार हो सब्जियों से, शायद आपको प्यार हो अपने मॉम डैड से, शायद आपको प्यार हो आइसक्रीम से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत मजा आ गया। ठीक है, फिर से याद करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और अगला लेटर है एम। चलो शुरू करो वो म्यूजिक। मुझे म्यूजिक पसंद है, दिल करता है मैं नाचूं। वो हो, वो हो, हा हा वी। हे,
मुझे आपसे बात करनी है एक गंभीर विषय पर। आपके मॉम डैड ने मुझे आपके बारे में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि आप हो बहुत ही नाइस। हाँ, वही तो है अगला लेटर। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप सभी से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। हमेशा ऐसे ही अच्छे रहना। ठीक है। और अब मैं यहाँ से वहाँ नीचे जंप करूँगा। नहीं, मैं फंस गया। यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, नहीं। ऑलराइट, ये हम चले। मैं उठ गया। वो अगर मैं होता एक ऑक्टोपस तो मैं वहाँ से बड़ी ही आसानी से निकल पाता, क्योंकि उनके होते हैं 8 लंबे हाथ या लंबी टांगे। ऑक्टोपस शुरू होता है लेटर ओ से। क्या आपने पहले कभी ऑलिव खाया है? काले ऑलिव होते हैं और हरे ऑलिव भी, और ऑलिव शुरू होता है लेटर ओ से। पॉली को मिर्ची चाहिए, पॉली को मिर्ची चाहिए, पॉली को मिर्ची चाहिए, पॉली को मिर्ची चाहिए, ब्लिपी, ब्लिपी। मैं हूँ एक पैरेट। पैरेट कोको, कोको शुरू होता है लेटर पी से। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुक्रिया आप इतने पॉजिटिव। हमारे लिए पॉजिटिव बने रहना बहुत ही जरूरी है, सच में। हाँ, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं पॉजिटिव पीपल, जैसे कि आप। पॉजिटिव और पीपल दोनों ही शुरू होते हैं लेटर पी से। बर्ड से मुझे याद आया, मेरी एक बहुत ही पसंदीदा बर्ड के सर पर एक छोटी सी चीज है। हाँ, देखिए कुछ ऐसी। जानते हो ये कौन सा बर्ड है? हाँ, ये है क्वेल। क्वेल वो होते हैं बहुत ही क्यूट, और वो बिल्कुल भी क्वाइट नहीं रहते हैं। अब मैं दौड़ने वाला हूँ जैसे एक क्वेल। अभी मैं दौड़ रहा था बहुत ही क्विकली। हे, क्विकली शुरू होता है लेटर क्यू से। क्यू एक बहुत ही क्यूट लेटर है। ओके, चलो याद करें कि अब तक हमने कौन से लेटर सीखे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। हाँ, यही वो सभी लेटर्स हैं जिन्हें हमने किया रीकैप। रीकैप, रीकैप शुरू होता है लेटर आर से। हाँ, वही है हमारा अगला लेटर आर। हे, ये क्या है? वो लगता है यह एक रैंप। देखो तो, रैंप शुरू होता है लेटर आर से। वाहो, चलो ऊपर आ जाओ। वाव, हे, आपको ये जगह याद है? हाँ, यहाँ है कुछ रेड फोम के बड़े टुकड़े, और रेड शुरू होता है लेटर आर से। और वाहो, रोप। वाओ, वाहो, वी, वाहो, सही है, मजा आ गया। रोप, रेड और रैंप सभी शुरू होते हैं लेटर आर से। चलो इधर आओ। वो जरा इसे देखो, देख रहे हो वहां पर क्या है? लगता है ये है एक स्विंग। हाँ, स्विंग शुरू होता है लेटर एस से।
और यही है हमारे अल्फाबेट का अगला लेटर। ओके, अब मैं स्विंग की सीट पर बैठता हूँ। हाँ, सीट। ऑलराइट, तो हम चले। 3, 2, 1। वो! वी! ओहो! वुहू! वी! वो! जरा इसे देखो। ये है एक ट्रैम्पोलीन। हे, ट्रैम्पोलीन। ये हमारा अगला लेटर, द लेटर टी। टी से होता है ट्रैम्पोलीन। ओह, देखो, मैं अभी लग रहा हूँ ना लेटर टी जैसा। मेरे हाथ टी का ऊपरी हिस्सा है और मेरे पैर टी का निचला हिस्सा है। ओह, मजा आ गया। वाह, 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 वाह। बता सकते हो मैं किस डायनासोर की नकल कर रहा हूँ? एक टी-रेक्स। मुझे टी-रेक्सेस पसंद है। मैं तो बहुत ही टायर्ड हो रहा हूँ। मुझे शायद नीचे लेट जाना चाहिए। मैं हूँ बहुत ही टायर्ड। टायर्ड शुरू होता है लेटर टी से। ओके, शायद ये खेलते रहने का टाइम है। आ जाओ इधर। ये देख रहे हो, मैं नकल कर रहा हूँ यूनिकॉर्न की। वी! हवा में उड़ते हुए। ये! मैं हूँ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न शुरू होता है लेटर यू से। शायद एक बार फिर याद करना चाहिए। हमने सीखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। बहुत खूब। ओके, लगभग सभी लेटर्स हो गए हैं। ओके, हमारा अगला लेटर जो सीखेंगे वो है वी। आप वो सुन रहे हो? ये आवाज तो है एक वायोलिन की। हाँ, वायोलिन शुरू होता है लेटर वी से और वायोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है। वाह, कितनी मधुर आवाज आ रही है। ये मधुर आवाज नहीं है, ये आवाज है एक वल्चर की। वल्चर भी शुरू होता है लेटर वी से। ओके, अब मैं भी वल्चर की तरह हवा में उड़ने वाला हूँ। वी एक बहुत ही कमाल का लेटर है। हे, देखो मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ। हाँ, वॉक। वॉक शुरू होता है लेटर डब्ल्यू से। मैं पीछे की ओर वॉक कर रहा हूँ। विसल। विसल शुरू होता है लेटर डब्ल्यू से। आपने वो आवाज सुनी? आपने वो आवाज सुनी? मेरी विसल? मेरी विसल सुनी आपने? इसे विस्परिंग कहते हैं, पर अभी नहीं। पहले जो किया उसे कहते हैं विस्पर। और विस्पर शुरू होता है लेटर डब्ल्यू से। ज़ाइलोफोन भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ज़ाइलोफोन शुरू होता है लेटर एक्स से। हे, आज आपके साथ इस ट्रैम्पोलिन पार्क में खेलकर बहुत मजा आया। और खेलते समय हम बहुत ही सावधान थे, क्योंकि हड्डियों के टूटने पर हमें निकालना होता है एक्सरे। आपने पहले कभी एक्सरे निकाला है? खैर, एक्सरे शुरू होता है लेटर एक्स से। हे,
आप इतनी दूर क्या कर रहे हो? हेलो, आपने देखा मैं कैसे वहां से येल कर रहा था? येल शुरू होता है लेटर वाई से। और हे, जरा इस क्यूब को देखो। हाँ, यह है एक येलो क्यूब। हाँ, येलो शुरू होता है लेटर वाई से। मैं नकल कर रहा हूँ एक जीब्रा की। जीब्रा होते हैं काले और सफेद और वो शुरू होते हैं लेटर जी से। हाँ, जी ये अल्फाबेट का लास्ट लेटर है। एक और शब्द जो शुरू होता है लेटर जी से वो है जिप। जिप मतलब होता है तेजी से जाना। ये देखो, आपने देखा ना कैसे मैं तेजी से दौड़ते हुए वहां गया और तेजी से वापस भी आ गया। वाह, आज आपके साथ सभी लेटर्स को सीखकर बहुत ही मजा आ गया। खैर, मुझे लगता है अब हमें सभी लेटर्स को एक बार दोहराना चाहिए। तैयार? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। बहुत खूब, आपके साथ सभी लेटर्स को सीखकर बहुत ही मजा आ गया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना होगा। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, लिपी। अब आप इन लेटर्स को पहचानते ही होंगे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं मिडिवल टाइम्स ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। और देखो तो वो है एक जाइंट कासल। वो हम आए हैं मिडिवल टाइम्स में, पर वो तो बहुत बहुत पहले का समय है, जैसे कि मेरे ख्याल से 11th century। और जानते हैं मिडिवल टाइम्स में लोग कार नहीं चलाते थे। नहीं, उसकी जगह वो चलाते थे हॉर्सेस। क्या बात है। hey, क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिवल टाइम्स में होना कैसा होता होगा? हाँ, मैंने भी। और आज आप और मैं जाने वाले हैं ऑरलैंडो कासल में और बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, और शायद हमें देखने मिलेगा एक असली वाला नाइट। हमें कितना मजा आने वाला है। चलो हम चलकर देखते हैं। इसे देखो तो, यह है एक असली वाला हॉर्स। हेलो प्यारे हॉर्स। ये कितना क्यूट है। और आज हम यहाँ हैं एक विलेज स्टेबल में। हाँ, एक स्टेबल जहाँ पर हॉर्सेस अपना यम्मी फूड खाते हैं और लेते हैं नैप्स। और तैयार होते हैं एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। हे, जानते हो हॉर्सेस कैसी आवाज निकालते हैं? बिल्कुल सही, वो ने करते हैं। ने, ने। हे, क्या मेरे साथ हॉर्सेस जैसे ने करोगे? ठीक है, बढ़िया, चलो करते हैं। ने, 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 ने। क्या बात है। खैर, ये एक बहुत ही अच्छा हॉर्स है, पर चलो आज आप और मैं सभी हॉर्सेस को टूर्नामेंट के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। चलो चलते हैं। देखो तो, इस टेबल पर वो सभी जरूरी सामान है जो हमें चाहिए सभी हॉर्स को टूर्नामेंट के लिए तैयार करने के लिए। हाँ, जरा इसे देखो। वाह,
हाँ ये है एक ब्रश, इससे हॉर्स की बॉडी पर लगी धूल को हम साफ कर सकते हैं। हाँ ये है एक बॉडी ब्रश, ये हॉर्स की बॉडी के लिए है। वाओ, और जरा इस चीज को तो देखो, स्पाइकी। हाँ ये एक ब्रश है जो होता है हॉर्स के मेन और टेल के लिए। हाँ इसके हैं लंबे लंबे ब्रिसल्स ताकि वो बालों को ठीक कर सके। हाँ जैसे कि हमारे बाल हैं। क्या बात है, ओह जरा इसे तो देखो, ये वो सभी चीजें हैं जो हम हॉर्स पर लगाएंगे। ये है एक सैडल पैड। हाँ ये सैडल पैड है बहुत ही सॉफ्ट और स्क्विशी। वो क्विश 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 क्विश। सबसे पहले हॉर्स पर यही लगता है ताकि सैडल की मदद से हम हॉर्स पर आराम से बैठ सकें। हाँ ओह जरा इसे तो देखो, ये है एक बहुत ही बड़ा सैडल। एक सैडल बहुत हैवी हो सकता है और इसे हॉर्स की पीठ पर रखते हैं ताकि सभी नाइट्स आराम से इस पर सवारी कर सकें। और इससे बांधते हैं तो ये बिल्कुल है एक हॉर्स की बेल्ट जैसा। इसे ऐसे अंदर फंसाओ और ऊपर चढ़ जाओ और हॉर्स को दौड़ाओ बहुत ही फास्ट। क्या बात है वो। और ये है हमारी आखिरी चीज जो हमें चाहिए हमारे हॉर्स पर रखने के लिए, और ये है कंपैरिसन। हाँ और ये कंपैरिसन का कलर है ग्रीन और ब्राउन। हाँ बहुत खूब। हाँ एक कंपैरिसन की मदद से नाइट्स वहाँ एक नाइट के हॉर्स से दूसरे नाइट के हॉर्स की ऐसे पहचान कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सभी हॉर्स एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ तो एक कंपैरिसन ये जाएगा सैडल के आखिर में। खैर हमें इतनी चीजें ही चाहिए, अब समय है तैयार होने का और टूर्नामेंट के लिए हॉर्स को तैयार करने का। ठीक है पहले लेते हैं एक ब्रश, आ जाओ। हेलो, हे देखो ये एक बहुत ही शानदार और सुंदर हॉर्स है। हेलो इसका नाम है हुमो। हाय हुमो। पहले चलो इसका फर ब्रश करते हैं, इसके हेयर्स पर नहीं होते, मैं भी ना। हाँ ब्रश ब्रश ब्रश, सारी धूल मैंने हॉर्स पे से निकाल दिया। हाँ अब जो हमने इसे साफ कर दिया है और पीठ से सारी धूल को हटा दिया है, अब हम रख सकते हैं सैडल पैड और सैडल और हमारा कंपैरिसन। चलो चले। कर दिखाया हमने टूर्नामेंट के लिए हुमो को तैयार होने में मदद की, और देखो यहाँ है कलर ग्रीन और ब्राउन। मुझे तो बहुत ही मजा आया हुमो को ऐसे तैयार करने में, और शायद अब समय है आपको और मुझे टूर्नामेंट के लिए खुद को अच्छे से तैयार करने का। ठीक है हम अब जाने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि हुमो एक बड़ा ही शांत हॉर्स है और खाने के लिए यहाँ है यम्मी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट, तो हम इसे देंगे एक शुगर क्यूब। हेलो बहुत खूब हुमो, गुदगुदी हो रही है। हुमो तुम बहुत ही अच्छे हॉर्स हो, और अब समय है खुद को तैयार करने का। चलो ये मैं हूँ नाइट ब्लिपी। मैं बिना कुछ भी बोलता हूँ, मैं एक असली नाइट नहीं हूँ, पर आज आप और मैं सीखने वाले हैं कि नाइट बनने के लिए क्या करना पड़ता था, वो भी 1000 साल पहले। वो ये तो एक बहुत ही पहले की बात है। क्या आपने कभी सोचा नाइट बनने के लिए क्या करना पड़ता था? तो होना पड़ता था ब्रेव, राइड करने होते थे हॉर्सेस, ने ने ने। क्या बात है, और होना पड़ता था स्ट्रॉन्ग और काइंड। वो अब मुझे लगता है कि एक असली नाइट बनना इतना भी आसान काम नहीं है। वो देखो तो एक असली नाइट। ओ ओ और अब समय है सर ब्लिपी को नाइट का खिताब देने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप और मैं नाइट्स के बारे में सिर्फ सीखने ही नहीं वाले, मैं तो एक नाइट भी बनने वाला हूँ। पर पहले मुझे पूरे करने होंगे 3 नाइट्स चैलेंजेस। ओह इसे तो देखो, ये है हमारा पहला नाइट्स चैलेंज, इसका नाम है द बिग रिंग्स चैलेंज।
तो जीतने के लिए बिग रिंग्स चैलेंज में हमें लेना होगा एक लैंस, जो एक बड़ी ही लंबी लकड़ी होती है, और उसे डालना होगा दो रिंग्स के अंदर, पहले यहाँ और दूसरा वो वहाँ उधर। अगर एक में डाल पाए तो आपको दोबारा दोनों रिंग्स में डालना होगा और तभी ये नाइट चैलेंज पूरा होगा। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है, पर पहले हमें नाइट के कपड़े पहनने होंगे। आ जाओ, वाओ, इसे देखो, ये तो है एक असली वाला नाइट्स का लेंस। और ये है बहुत ही हैवी। इसे मैं इस्तेमाल करूंगा और पूरा करूंगा वो बिग रिंग्स चैलेंज। पर वो नाइट ही कैसा जिसके पास उसका हॉर्स ना हो। और ये देखो, ये है मेरा प्यारा हॉर्स ब्राउनी। हेलो ब्राउनी, हेलो। ठीक है, मेरे पास है ये लैंस और ये हॉर्स ब्राउनी। अब हम नाइट चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। चलो चलें। ठीक है, ये हम चलें। तैयार ब्राउनी? ठीक है, तो चलो शुरू करें नाइट चैलेंज। मैं बस एक ही रिंग ले पाया, मतलब कि ब्राउनी और मुझे ये चैलेंज पूरा करने के लिए फिर से कोशिश करनी होगी। ब्राउनी को भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो चले। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद इस बार हो जाएगा। चलो चले। ये बड़ा ही मुश्किल था। इस नाइट चैलेंज से मुझे थकान हो रही है, पर देखो हमारे पास दोनों रिंग्स हैं। थैंक्स ब्राउनी मेरी मदद करने के लिए। मुझे तो इसमें बहुत मजा आया। और अब समय है दूसरे नाइट चैलेंज को पूरा करने का। चलो उसे देखते हैं। आ जाओ। ब्राउनी, हमने पूरा किया हमारा पहला नाइट चैलेंज। हम नाइट बनने के बहुत ही करीब आ गए हैं। ठीक है, जो दूसरा नाइट चैलेंज है इससे भी मुश्किल है। आप में चाहिए फुर्ती, शक्ति और अच्छे से हॉर्स चलाना भी आना चाहिए। उसका नाम है फ्लैग टॉस। जैसे कि मैं और एक दूसरा नाइट एक दूसरे की ओर फ्लैग फेंकेंगे, वो भी तीन बार, और अगर हमने 3 times पकड़ लिया तब हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हम चले। मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे फ्रेंड सर डेविड मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तैयार सर डेविड? तैयार। ठीक है, ये हम चले। 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 हमने कर दिया, हमने फ्लैग को पकड़ा 3 times। बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक्स ब्राउनी। ठीक है, अब हमें पूरा करना है हमारा 3rd challenge, और ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है। उसका नाम है नाइट्स ड्रेस अप चैलेंज। मुझे एक नाइट का पूरा पहनावा पहनकर दिखाना होगा, वो भी बस 10 seconds में। लगता है इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए ब्राउनी। बाय बाय, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नहीं। ओके, अब मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ। घड़ी में टाइमर ऑन कर लीजिए। ये हम चले। वो ये अमर तो कमाल का है। हाँ, हमने कर दिखाया, हमने पूरे किए तीनों नाइट चैलेंजेस, और अब मैं बनने वाला हूँ नाइट ब्लिपी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए आपको और मुझे करना चाहिए एक विक्ट्री डांस। ठीक है, तो चलो करते हैं। हाँ, वो तो बहुत कमाल का था। अब मैं बनने वाला हूँ एक नाइट। इतनी जल्दी भी नहीं ब्लिपी। हे सर डेविड, तुम्हें और 2 challenges पूरे करने हैं। हाँ, और 2 challenges, पर हमने पहले ही 3 पूरे किए हैं। हाँ, शायद वो तो इतने भी मुश्किल नहीं होंगे। तो बताइए अगले 2 challenges क्या है। तो पहले तुम्हें नाइट कोड सीखना होगा। ओह, आपको पता है नाइट कोड क्या होता है? मुझे भी नहीं। हाँ सर डेविड, ये नाइट कोड क्या होता है? एक नाइट वेलर की शपथ लेता है। ठीक है, यानी हमें बनना होगा बड़ा ही ब्रेव। उसका दिल मोम से बना होता है। ओके, तो यानी कि हमें बनना होगा काइंड। वो मासूमों की रक्षा करता है और कमजोरों की मदद करता है। यानी कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और उसकी जुबान सिर्फ सच बोलती है।
हमेशा बोलिए सच। ये तो बहुत आसान है, हम ये कर सकते हैं। और दूसरा चैलेंज क्या है? हाँ, वो दूसरा चैलेंज है जैवलिन टॉस। सुनकर तो लगता है कि वो होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल, पर है मेरे पास है मेरा नाइट्स आर्मर, शायद हम ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो इसे पहने। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलो। विश्वास नहीं होता कि हम क्वीन से मिलने वाले हैं और करने वाले हैं नाइटिंग सेरेमनी। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं डोनिया मारिया इजाबेला इस कैसल की क्वीन और राज्य की अधिपति आज यहाँ ब्लिपी को एक बार, दो बार और तीन बार राज्य का नाइट घोषित करती हूँ। हमने कर दिखाया। बहुत खूब। सभी नाइट्स चैलेंज को पूरा करने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो बड़े ही मुश्किल थे, पर हमने उन्हें अच्छे से पूरा किया। मुझे 11th सेंचुरी के नाइट्स के बारे में सीखकर बहुत ही मजा आया, जो कि बहुत बहुत पहले की बात है। और ये जानकर भी अच्छा लगा कि नाइट सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि काइंड बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। खैर ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। खैर शायद अब सर ब्लिपी कहना चाहिए। क्या बात है। खैर चलो जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये फायर ट्रक बहुत ही फास्ट है। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं यहाँ केटन चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो है सैंटा मोनिका कैलिफोर्निया में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। और इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। यहाँ सैर करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। चलो चले। वो जरा इसे देखो, जानते हो ये क्या है? लगता है ये है एक गार्डन। इसमें खेलकर बहुत मजा आएगा। चलो अंदर चलते हैं। देखो यहाँ बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं और इनके कलर्स, हाँ ये है एक ब्लू क्यूब और एक रेड रेक्टेंगल और यहाँ है एक ग्रीन क्यूब। वो और ये बहुत ही स्क्विशी है और सॉफ्ट भी। वो इनसे खेलकर मजा आएगा। ये एक टनल है, मैं इस टनल के अंदर से जाऊंगा। दूसरे छोर पर मिलते हैं। ये एक बहुत ही छोटी टनल है। हे, क्या आप जानते हो ये कौन सा एनिमल है? मैं आपको हिंट देता हूँ, ये एनिमल ऐसे करता है। हाँ ये है काओ। हेलो। बहुत ही क्यूट है। देखो तो वो क्या है, आप जानते हो वो क्या है? हाँ वो है एक बड़ा सा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। शायद आपको और मुझे उसके अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए। चलो। जरा इस जगह को तो देखो, ये बहुत ही कमाल का है। वो और ये है इसका कॉकपिट। यहाँ इस हेलीकॉप्टर के अंदर इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाले बहुत सारे बटन्स हैं। यहाँ है अलग अलग लेवर्स और गियर्स जो बताते हैं हम कितने फास्ट जा रहे हैं और फ्यूल के बारे में बताते हैं। वो और देखो यहाँ पर ऊपर कई तरह के बटन्स लगाए हुए हैं। वो अब इस बटन से क्या होता होगा? वो और देखो यहाँ बहुत सी कलरफुल लाइट्स भी लगी हुई है जो क्या चल रहा है दिखाती है। हाँ
और यहाँ है बहुत ही ब्राइट व्हाइट लाइट और एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट। खैर उड़ने का समय हो गया, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर बहुत ही मजा आया। चलो सैर जारी रखें। यह है एक बड़ी सी फायर ट्रक। ओ, लेकिन इसके व्हील का कुछ हिस्सा गायब हो गया है। हेलो व्हील, शायद हमें वो दूसरी साइड मिल जाए। ओह, देखो तो यहाँ कितने सारे लेवर्स हैं। हाँ, व्हीकल्स बहुत कमाल होते हैं। हेलीकॉप्टर्स और फायर ट्रक्स दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि इनमें गेजेस हैं, बटन्स हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं और जिनसे ये फास्ट चलते हैं। hey, मुझे फायर ट्रक का हॉर्न बहुत पसंद है। अंदर चलकर देखते हैं वो काम करता है या नहीं। अब मैं फायर ट्रक चला रहा हूँ। सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। ठीक है, ये हम चले। वाओ, इस हॉर्न की आवाज तो बहुत लाउड है। चलो देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। वाओ, वाओ, जरा इसे देखो। ये है एक रेस्क्यू बोट। हमारी ये रेस्क्यू बोट बड़ी बड़ी लहरों का सामना कर रही है। वो, वो, ये तो बहुत मजेदार है और ये स्क्विशी भी है। वो, समंदर की लहरें तेजी से आ रही है और वो बहुत ही बड़ी है। वो, 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 बहुत साफ और ठंडा पानी है। हाँ, क्योंकि ये बना है एक बॉल पिट से। ये तो कमाल की बात है। आज मुझे यहाँ आपके साथ खेलकर बहुत ही मजा आ रहा है। हे, जरा उसे देखो। इसे देखकर लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी पिक्चर फ्रेम है। हाँ, ये एक बड़ा स्क्वायर है। और यहाँ है कुछ पुलिस और यह एक स्टीयरिंग व्हील। और अब हम इसे घुमाते हैं। वो, ये ऊपर आता है और बनाता है बबल्स। चले देखें क्या हम इससे एक बड़ा सा बबल बना सकते हैं या फिर नहीं। हमने कर दिया। वो एक बहुत ही बड़ा शानदार बबल था, पर वो फूट गया, क्योंकि बबल्स ऐसे ही होते हैं, वो बड़े से हो जाते हैं और फिर पप फूट जाते हैं। देखो ये तो कमाल का है। यहाँ पर है माउंटेन्स और ओशंस और एक छोटी सी शार्क। ये शार्क यहाँ पर बहुत ही मजे कर रही है इस ओशन में तैर कर। ये बहुत ही फास्ट है। इसने एक बड़ी जंप लगाई। वो अब इसे देखो, ये बहुत ही कमाल का है। ये है एक सबमरीन। हाँ, इस पे लगे हैं ये प्रोपेलर्स जिससे ये पानी के अंदर बहुत तेजी से चलती है। और यहाँ पर बैठा है एक स्कूबा डाइवर जो इसे चला रहा है। ओ, ये भी शार्क के साथ स्विम करेगी। अब ये देखो, ये जब मैं ये बड़ा सा बटन दबाता हूँ तो कुछ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप तैयार हैं? अपनी नजरें वहाँ पर रखिए और यहाँ पर जमाए रखिए। ये हम चले। मैं थ्री तक गिनूंगा, उसके बाद मैं ये बटन दबाने वाला हूँ। 1, 2, 3। क्या आपने देखा? वाओ! चलो अब हम इसे थोड़ा तेजी से दबाते हैं। लगता है उसे तेजी से दबाए जाना पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वाटर से खेलने के लिए और भी चीजें हैं।
यहाँ पर है बहुत सारी बोट्स। वाओ, इन सभी बोट्स को देखो, कितनी सारी हैं। हाँ, यहाँ है 1, 2 ग्रीन बोट्स और यहाँ है 1, 2 पर्पल बोट्स और यहाँ है यहाँ है 1, 2, 3 ऑरेंज बोट्स। ये बड़ी ही शानदार है। और अगर हम लेते हैं 1 ऑरेंज बोट और 1 ब्लू बोट तो ये हुई ब्लिपी बोट्स। ये तो कमाल का है। यहाँ अलग अलग किस्म के वाटर व्हील्स हैं और वाटर वो। और लगता है यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है, हम इसे हिला भी सकते हैं। बाय ऑक्टोपस। हे, क्या आप ये जानते हैं कि ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ये एनिमल है एक सी टर्टल और ये बड़ा ही क्यूट है। वाओ, हे ये देखो, शायद हम इसके अंदर जा सकते हैं। हेलो, वाओ, मेरे चारों तरफ वाटर ही वाटर है। ये एक बड़ा ही सिली क्रैब है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। वो मुझे लगता है वहाँ एक कमाल की वॉल है जहाँ हमें जरूर जाना चाहिए। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। जरा ये देखो, ये वॉल है मैग्नेटिक वॉल। हाँ, ये एक बड़ी सी वॉल है जो मैग्नेटिक है। इसका मतलब इस तरह के स्क्वायर्स पर छोटे मैग्नेट्स लगाए गए हैं जो वॉल से चिपक जाते हैं। तो अगर आप इसे लेकर ऐसे वॉल पर रखोगे तो ये चिपक जाएगा। और कभी कभी मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसे ऐसे फेंकोगे तो भी ये झट से चिपक जाएगा। वो, और हम यहाँ पर कई तरह के शेप्स और पिक्चर्स इस पर बना सकते हैं। तो चलो एक पिक्चर बनाते हैं। इन्हें जरा यहाँ पर रख देते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत ही बड़े ऑरेंज स्क्वायर से और इसे यहाँ रख देते हैं। अब आगे लेते हैं और 2 ऑरेंज स्क्वायर्स। अब आगे कौन सा कलर इस्तेमाल करें? हमने ऑरेंज पहले ही ले लिया है तो अब लेते हैं ब्लू। ठीक है, ठीक है। और अब हम लेंगे ये 1, 2 ब्लू ट्रायंगल्स को और अब लेते हैं 2 ब्लू स्क्वायर्स और लगभग हो गया, पर शायद अब लेने चाहिए 2 एक ऑरेंज लेते हैं और एक ब्लू भी लेते हैं। ये बन गया ब्लिपी का एक मैग्नेटिक कासल, किंग ब्लिपी। बहुत मजा आ रहा है। ओ, क्या आप जानते हो ये क्या है? हाँ, ध्यान से देखो, ये चीज है हाँ एक गियर। वाओ, तेज घुमाओ। हाँ, और जब हम एक गियर लेते हैं और इसे ऐसे रखते हैं और फिर दूसरा यहाँ रखते हैं और जब इसे घुमाते हैं तो दूसरा गियर भी घूमने लगता है। और अब सबसे मजेदार बात, जब आप लेते हो 1 गियर और उसे दूसरे से चिपकाते हो तो यहाँ 2 गियर्स घूमेंगे, पर अगर आप इन्हें इन 2 गियर्स को सभी गियर्स से चिपकाते हो तो ये सभी एक साथ घूमेंगे। टीम वर्क मजेदार होता है, खासकर जब आप एक गियर हो। वो। क्या आप तैयार हो? चलो टीम वर्क का इस्तेमाल करते हैं इन सभी गियर्स पर। वाओ, जरा इन्हें देखो तो। ये सभी एक साथ घूम रहे हैं, पर मैं इनमें से बस इसे ही घुमा रहा हूँ। देखो, ये ऐसे घूमकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और तेज। ये कितना मजेदार है ना? ये जगह तो कमाल की है। जरा हमारे ऊपर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे सीलिंग पर एक टनल बनी हुई है। मुझे तो अब तक बहुत मजा आया, पर शायद आपको और मुझे ऊपर जाकर टनल में जाना चाहिए। हाँ,
ठीक है तो चलो चलते हैं। वाह, यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल है इन नेट्स पर। हे, लगता है वहाँ पर एक विंडो है उस तरफ, वो वाटर के इलाके में। ये देखो, ये है एक विंडो। हेलो। और ऐसा लगता है कि ये वाटर का इलाका, ये बड़ा सा स्पिनर है। वाओ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वाह क्या बात है, क्योंकि जब हम वहाँ नीचे थे वहाँ बस दिख रहे थे कुछ आइलैंड्स और कुछ ओशंस और कुछ वाटर, पर क्योंकि अभी है एक अलग पर्सपेक्टिव। हाँ, एक अलग पर्सपेक्टिव, इसका मतलब चीजों को अलग नजर से देखना, मतलब चीजों को अलग सोच के साथ देखना। हाँ, जब हम उसे अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा सा स्पिनर है। वाओ, ये बड़ा ही कमाल का है। ये बहुत हिल रहा है। कभी इधर तो कभी उधर। मजा आ रहा है। वाह, हमने वो येलो ब्रिज पार कर लिया है और अब हम दूसरी ओर आ चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ही कमाल का है। यह एक बड़ा पर्पल ट्रायंगल। हाँ, ये देखो, ट्रायंगल की होती है 3 साइड्स, 1, 2, 3। ओह, जरा इधर तो देखो। हेलो, मैं हूँ ब्लिपी और तुम्हारा नाम? हेलो ब्लिपी, मेरा नाम है दी अमेजिंग एंड्रेस। वो मिलकर खुशी हुई एंड्रेस। ओह, क्या तुम जगलिंग कर रहे हो? ओह यस, सही कहा, मैं जगलिंग कर रहा हूँ। एंड्रेस जगल करने में बहुत ही माहिर है। तुम बहुत अच्छे हो ब्लिपी, तुम्हें पता है 3 बॉल के साथ जगल करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस? पहले शुरू करेंगे 1 बॉल से, बिल्कुल ऐसे, देखो। उसके बाद जब मैं तैयार हूँ तब 2 बॉल, और फिर जब मैं सही करूँ तब मैं लूंगा द 3rd बॉल। बिल्कुल ऐसे। ये तो बड़ा ही कमाल है। खैर एंड्रेस, ये सच में कमाल है, पर तुम यहाँ और क्या करते हो? मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ यहाँ पर, मैं अपना पूरा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता हूँ ताकि मैं लोगों के लिए म्यूजियम में फन एक्टिविटीज ला सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी यहाँ बहुत मजे करना चाहते हैं। वेल, क्या हम कोई मजेदार चीज कर सकते हैं? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो है। क्या तुम्हें आर्ट पसंद है? हाँ, मुझे आर्ट बनाना पसंद है। हे, शायद हम बना सकते हैं एक आर्ट प्रोजेक्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो ब्लिपी मेरे साथ, अब हम आर्ट रूम में चलते हैं। ठीक है, आओ ब्लिपी पहले इसके अंदर चलते हैं। थैंक यू एंड्रेस। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स गो। देखो तुम्हें कहाँ आ गया, हम इस वक्त हैं एक आर्ट स्टूडियो में। वो ये जगह तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। देखो तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पर कई तरह के अलग अलग पेंट्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम एक सुंदर सी पिक्चर बनाएंगे और एक बड़ा ही कमाल का आर्ट वर्क। यहाँ है थोड़ा पिंक पेंट, और असल में ये बहुत सारा पेंट है, ये है ब्लैक पेंट। और यहाँ है थोड़ा ग्रीन, और इसके अंदर कोई चीज गिरी है। वो और लगता है यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। यहाँ है, ये पेंट है गोल्ड, और ये बड़ा ही शाइनी है। शायद हमें कुछ सोचकर इस अच्छे से गोल्ड पेंट से एक अच्छी पिक्चर बनानी चाहिए। पर पहले हमें किसी चीज का इस्तेमाल करना होगा, एक पेंट ब्रश की तरह। अरे देखो, यह एक ब्रश और थोड़ा पेंट। अब बस हमें सोचना होगा कि हम क्या पेंट करें। वेल, हम एक आसान चीज से शुरू कर सकते हैं, शायद एक गोल स्माइली फेस। वन आई,
टू आईज और एक बहुत बड़ी स्माइल। ये बहुत ही खुश है। चूंकि हम इस पूरे कमरे को पेंट कर सकते हैं, चलो देखते हैं हम कितने हिस्से को पेंट कर पाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर चारों तरफ पेंट करने वाला हूँ, इसमें बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए होंगे 2 रोलर्स और बहुत सारा पेंट। चलो चले। ठीक है, अब थोड़ा पिंक पेंट इस्तेमाल करते हैं। ओके, पेंटिंग बहुत ही मजेदार है। वो भी खासकर तब जब आप जहां चाहो वहां पेंट कर सकते हो। और थोड़ा गंदा हो सकते हो, पर जब भी आप पेंटिंग करो वॉल पर पेपर जरूर लगाएं, सीधे वॉल पर ना करें। हाँ, मुझे वॉल पर पेंट करना पसंद है, ऐसे डायरेक्ट वॉल पर बिल्कुल भी नहीं। आज आपके साथ पेंटिंग करके बहुत मजा आया। आपके साथ पेंटिंग करके बहुत मजा आया यहाँ केटिन चिल्ड्रन म्यूजियम में, जो है सांता मोनिका कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरा नाम बस सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ओके, चलो करते हैं। BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। खैर, आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी। वो लगता है लाइट्स चली गई है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास है मेरी बहुत ही काम की फ्लैश लाइट। मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती होगी। शायद आप और मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख सकते हैं, और हमें पता चल जाए कि लाइट्स कैसे वापस लाते हैं, और मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ। चलो चलें वंडर वर्क्स में। वहाँ पर मिलते हैं। हम आए हैं वंडर वर्क्स साइंस सेंटर, जो है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। वो जरा इसे देखो, ये बिल्डिंग तो अपसाइड डाउन है। कितनी अजीब बात है। खैर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो इसलिए कि आज आप और मैं साइंस के बारे में सीखने वाले हैं। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। जरा इस जगह को देखो, ये जगह तो कमाल की है। यहाँ कितने सारे कलर्स हैं, और वहाँ पर देखो, वहाँ कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ लाइट्स हैं, और वहाँ कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, वो भी बहुत ही ऊपर। ये सच में अजीब है। एक मिनट, अगर जमीन वहाँ ऊपर है तो फिर इसका मतलब है कि हम अभी सीलिंग पर खड़े हैं, और अभी हम अपसाइड डाउन हैं। ये बात बहुत ही अजीब है। मेरे पास एक आइडिया है, अभी आप और मैं इस वक्त अपसाइड डाउन हो चुके हैं, तो चलो करते हैं एक सीलिंग डांस। सीलिंग पर चलने का मौका रोज रोज नहीं मिलता, तो चलो चलते हैं। वो सीलिंग डांस तो काफी मजेदार था, बहुत खूब। वेल, आपके साथ सीलिंग पर डांस करके बहुत मजा आया, पर शायद अब टाइम आ गया है कि अब हमें जमीन पर वापस जाना चाहिए। हे, वंडर वर्क्स में ऐसी कोई चीज जरूर होगी जो हमें फिर से सीधे होने में हेल्प करेगी। चलो चलकर वो देखते हैं। वो इस टनल में तो बहुत अंधेरा लग रहा है, हमें संभल कर चलना होगा और हमें बहुत बहादुर बनना होगा। चलो अंदर चले, आ जाओ।
ये जगह तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। हाँ, अभी हम इस वक्त हैं एक बहुत बड़े सिलेंडर में। हाँ, एक सिलेंडर एक टनल जैसा ही होता है, पर इस टनल में बहुत अंधेरा है और ये गोल गोल घूम रहा है। वो मुझे तो थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं। हे, जरा इसे देखो, इस टनल में है बहुत सारी लाइंस और पोल्का डॉट्स जो अंधेरे में चमक रहे हैं। और ये देखो मेरे ग्लासेस और मेरे शू लेसेस, ये भी अंधेरे में चमक रहे हैं। ये टनल कमाल की है और असल में इस टनल को कहते हैं इन्वर्जन टनल। और शायद ये इन्वर्जन टनल हमें जमीन ढूंढने में मदद करे और फिर से एक बार हमें सीधा कर दे। मुझे तो सच में उम्मीद है क्योंकि मुझे थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हम चलें। हमने कर दिखाया, हम वापस फिर से जमीन पर आ गए हैं। उस इन्वर्जन टनल की मदद से हम वापस फिर से सीधे हो गए। हे, हमें यहाँ वंडरवर्क्स में बहुत सी मजेदार चीजें देखने को मिलने वाली है और हम साइंस के बारे में सब सीख सकते हैं। पता है, मुझे साइंस बहुत पसंद है क्योंकि ये हमें समझाता है कि दुनिया कैसे काम करती है। चलो वो पता करते हैं, आ जाओ। जरा यहाँ तो देखो, ये जगह सच में बड़ी कमाल की है। हे, मेरा एक सवाल है, इन तीन चीजों में कौन सी बात एक जैसी है? एक लैंप, एक कंप्यूटर और एक ब्लेंडर। बिल्कुल सही, ये तीनों चीजें ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। हाँ, और ये इलेक्ट्रिसिटी ये है एक फ्लो बहुत सी छोटी छोटी चीजों का जो चीजों को शुरू करते हैं और उन्हें देते हैं एनर्जी और पावर। हे, शायद हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी है कि शायद हम कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी डांस। ठीक है, तो चलो करते हैं। मुझे बहुत मजा आया। पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही दिलचस्प होती है। क्या आपको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी तीन अलग अलग किस्म की होती है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की पहली किस्म है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब होती है जब आप दो सॉक्स एक दूसरे से घिसते हो या जब ब्लैंकेट घिसते हो और वो पैर को लगती है तब चरमरी से आवाज आती है। वो ही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक जगह दिखती है, वो है एक टेस्ला कॉइल के अंदर। हाँ, ये मशीन जो यहाँ है ये है एक टेस्ला कॉइल और ये बनाती है बहुत बहुत बड़ी और बहुत सारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रॉन्ग बीम्स। ठीक है, खुद ही देख लो। पहले मैं अपने हाथ को ऐसे वो इस मेटल ग्लव में डालूंगा। हाँ, और इस ब्लू बटन को दबाऊंगा। वो देखो, उंगलियों में गुदगुदी हो रही है। वाओ। मैं फिर से दबाता हूँ। वाओ। ये देखो, ये ग्लव मेरे हाथ की सुरक्षा कर रहा है, पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही गुस्से में है। हेलो 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 मिस्टर हैंड, हेलो ब्लिपी। मजा आ गया। वो ये बहुत ही कमाल का था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और टेस्ला कॉइल के बारे में सीखकर मजा आया। आप जानते थे, दुनिया में एक और किस्म की इलेक्ट्रिसिटी है और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज्यादा खतरनाक होती है और वो चार्ज करती है आपके लैंप्स, कंप्यूटर्स और ब्लेंडर्स। मैं तो भूल ही गया था, तीसरे किस्म की इलेक्ट्रिसिटी भी है और वो है नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी और वो है लाइटनिंग। नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइटनिंग होती है बहुत 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 बड़ी। और ये तभी दिखती है जब कोई तूफान आता है। हे, आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखकर बहुत मजा आया। चलो हम ये सैर जारी रखते हैं। चलो हम चलकर कुछ और मजेदार सीखते हैं। आ जाओ। जरा इसे देखो, ये तो है एक बहुत 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 बड़ा पियानो। और ये पियानो इतना बड़ा है कि इसे उंगलियों से नहीं बजा सकते। उसके बदले इस पियानो को बजाते हैं हमारे पैरों से। ठीक है,
हे, जरा इधर देखो, इसे कहते हैं शीट म्यूजिक। हाँ, शीट म्यूजिक पढ़ना होता है, बिल्कुल एक बुक जैसे। पर यहाँ वर्ड्स पढ़ने के बजाय हम यहाँ नोट्स को पढ़कर बजाते हैं। चलिए अब आप और मैं ये बजाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो बजाए। बहुत खूब, हमने कर दिया, हमने शीट म्यूजिक को पढ़ा और बजाया एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग। वो जरा इसे देखो, आ जाओ। वो जरा इसे देखो, ये है एक असली पियानो। इस पियानो को पैरों से नहीं बजाते हैं, इसे उंगलियों से बजाते हैं। ठीक है, देखो अब मैं बजाऊंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार फिर से एक बार असली वाले पियानो पर। ये हम चले। हमने कर दिखाया, हमने बजाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज मुझे बहुत ही मजा आया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखकर और वंडर वर्क्स की कई सारी चीजों के बारे में भी। पर शायद अब टाइम है हमारे क्यूरियोसिटी कॉर्नर का। और हे, दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, वो है मेरी शैडो। हेलो ब्लिपी की शैडो, हेलो। पर ये थोड़ी सी धुंधली है। हे, ऐसा करते हैं, फ्लैशलाइट को चलाते हैं, तब शायद मेरी शैडो और साफ हो जाए ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। ठीक है, चलो ढूंढें एक दूसरी दीवार। आओ, जरा यहाँ देखो। हाँ, अगर मैं मेरा फ्लैशलाइट लेकर इसे यहाँ पर चमकाता हूँ, फिर आप मेरे हाथ की शैडो को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। हेलो। वो शैडोज बड़े ही कमाल होते हैं, और शैडो से आप बना सकते हो कई तरह के पपेट्स। हमारे हाथों से देखो, ये है एक लिटिल बर्ड। हेलो। जानते हो, कुछ लोग बनाते हैं अपने खुद के शैडो पपेट शोज। हाँ, जैसे कि एक पपेट शो, वो पता है अपने हाथों से और फ्लैशलाइट से बनाते हैं शैडो का पपेट शो। हे, अगर हम इस पर्दे के पीछे जाते हैं तो हम भी खुद का शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके पीछे जाता हूँ और ये फ्लैशलाइट सेट करता हूँ और वापस आता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ तो मेरी शैडो देख पाओगे, पर मुझे नहीं देख पाओगे। नहीं, क्योंकि मैं छुप रहा हूँ। पिकाबू। हाँ, ये रहा मेरा हाथ, और देखो वो लिटिल बर्ड फिर से आ गई। हे, क्या आप जानते थे, हम हाथों से शैडो के पपेट्स बना सकते हैं, पर इन्हें पेपर से भी बना सकते हैं। हे, शायद मेरे पास कुछ पेपर से बने शैडोज के पोस्टर्स हैं, वो यहीं पर रखे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कौन से एनिमल्स और शेप्स हमारे पास हैं। हे, ये हम चले। इसे देखो तो, ये है एक ड्रैगन। वो, और देखो ये ड्रैगन आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। वो, ये बहुत ही ऊपर है। और देखो ये ड्रैगन जा रहा है एक कासल में। वो, ये कितना कमाल का है। और यहाँ पर और भी एनिमल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ सिर्फ ड्रैगन और कासल ही नहीं है। देखो, क्या आप जानते हो कि ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ये है एक बहुत ही डरावना लायन। पर इतना भी डरावना नहीं है। और यहाँ है, देखो कौन सा एनिमल है। ये एक छोटे से हॉर्स जैसा लग रहा है। हाँ, शायद ये एनिमल है एक डोंकी। और लगता है कि मेरे पास एक और शैडो का पपेट है, ये एक एलिफेंट है। वो, चलो हमारे सभी शैडो के पपेट्स के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं।
बहुत खूब। सच में ये तो बहुत ही मजेदार था। हे, लगता है लाइट वापस आ गई है। वाव, आज तो बहुत मजा आया। हमने क्या कुछ सीखा, शैडोज, शैडोज के पपेट और इलेक्ट्रिसिटी। आपके साथ दिन बड़ा मजे से बीता। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, तो करते हैं। BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। खैर, आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं लू गार्डन ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम यहाँ अलग अलग तरह के गार्डन्स देखने वाले हैं। यहाँ है वेजिटेबल गार्डन्स जहाँ ताज़ा वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, जैसे ब्रोकली या सेलरी, यम्मी। और कई तरह के फ्लावर गार्डन्स जहाँ पर होंगे ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। हे, शायद मैंने वहाँ पर कुछ देखा है। चलो चल कर देखते हैं। चलो आओ। हे, स्मेल। हाँ, स्मेलिंग 5 senses में से एक सेंस है। आपको 5 senses के बारे में पता है? हाँ, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हाँ, और सीइंग, हियरिंग और टचिंग। तो ये रहे वो 5 senses। हम नोज से स्मेल करते हैं और हम टेस्ट करते हैं टंग से, और हम ईयर्स से सुनते हैं, आईज से देखते हैं और टच करते हैं हमारी स्किन और फिंगर्स से। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया आया है। चलो अब आप और मैं गार्डन्स में चारों ओर घूमते हैं और वहाँ जाकर स्मेल, सी, हियर और टेस्ट और टच करते हैं अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो भी यहाँ पर हैं। और किसे पता हमें कोई डायनासोर भी दिख जाए। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आ जाओ। जरा इस जगह को तो देखो, यहाँ पर कितने सारे कूल प्लांट्स हैं। हाँ, वो जरा इस प्लांट को देखो। हाँ, ये बड़ा ही कमाल का दिखता है। हाँ, यहाँ ये जो प्लांट दिख रहा है, इसके लीव्स दिखने में बड़े ही कमाल के हैं और ये धब्बेदार हैं। इन पर येलो स्पॉट्स हैं पर लीफ इसका कलर है ग्रीन। वो यहाँ बहुत सारे दिलचस्प प्लांट्स हैं और ये हमारा पहला गार्डन है। ये एक ट्रॉपिकल स्ट्रीम गार्डन है। और यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, उन्हें ऐसी ट्रॉपिकल प्लेस पर रहना पसंद है। हाँ, ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ये जगह वार्म और ह्यूमिड दोनों है, जैसे कि एक रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का। रेन फॉरेस्ट कमाल होते हैं। चलिए आप और मैं यहाँ के सभी प्लांट्स को मिलते हैं, जैसे कि हम साउथ अमेरिका में हो। भले ही हम अभी साउथ अमेरिका में नहीं हैं, तो चलो चले और सैर करें। ओह, देखो तो, हमने यहाँ एक दिलचस्प चीज खोज निकाली है। ये है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम जो है ट्रॉपिकल स्ट्रीम गार्डन में। क्या बात है वो। और इस पानी को देखो, ये पानी पत्थरों के ऊपर से तेजी से जा रहा है और वहाँ थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी बन गया है। वो पानी तेजी से आगे जाता है और फिर नीचे गिर जाता है और ऐसे बनता है वाटरफॉल। हे, ये सुनो। हाँ, आप सुन रहे हो। ये है पानी जो पत्थरों के ऊपर से बह रहा है। हम 5 senses में से एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हियरिंग। हे, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और क्या क्या सुनाई दे सकता है हमें? हाँ, बर्ड्स। सुनो, आप बर्ड्स को सुन रहे हो? वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार है। ईयर्स की मदद से हम रेन फॉरेस्ट में अलग अलग चीजों की आवाजें सुन पा रहे हैं। हे, चलो देखते हैं हमारी इन सेंसेस की मदद से हम क्या क्या सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सूंघ सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। चलो आ जाओ। ओह,
वो आपके साथ डांस करके बहुत मजा आया, पर शायद हम डांस करते करते इतनी दूर आ गए हैं कि हम खो गए हैं। मैं ये जानता हूँ कि हम अगले गार्डन में जाने वाले थे, पर वहाँ जाने के लिए हमें गुजरना होगा नॉर्थ वुड्स में से। आखिर ये नॉर्थ वुड्स है कहाँ? अरे हाँ, ये तो बड़ा ही आसान है। नॉर्थ एक दिशा है। हाँ, और ये दिशाएं कुल चार होती हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। और अभी हमें जाना है नॉर्थ में। ओह, ये तो बहुत सारी दिशाएं हैं। पता है, ये सभी दिशाएं याद करने की एक तरकीब भी है। बस याद कर लो ये अजीब सा फ्रेज, और वो ये है, नेवर ईट सॉगी वॉफल्स। मजेदार है ना? तो हम जानते हैं कि नेवर आता है एन से, तो वो नॉर्थ हुआ, और ईट ईस्ट सॉगी साउथ और वेस्ट वॉफल्स। हमने सारी दिशाएं याद कर ली हैं और हमें नॉर्थ की ओर जाना है। काश पता होता कि नॉर्थ किस तरफ आता है। ओ, एक मिनट रुको, मैं हमेशा मेरे साथ लाता हूँ मेरा कॉम्पस। ये देखो, ये कॉम्पस बहुत ही कमाल का है। देखो तो, हाँ, इसे देख रहे हो? ये है एक टूल जो हमें नॉर्थ की दिशा दिखाता है और कहाँ जाना है बताता है। हाँ, यहाँ एक मैग्नेट है इस कॉम्पस के अंदर, जो इस छोटे से ब्लैक एरो से नॉर्थ की ओर इशारा करता है। तो हमें ये करना है कि इस ब्लैक से एरो को रेड एन पर ले जाना है, और पता चल गया कि नॉर्थ उस तरफ है, और नॉर्थ वुड्स के ठीक उस पार हमारा अगला गार्डन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सैर करने के लिए। चलो आ जाओ, हम चलते हैं। जरा इन सुंदर सुंदर फ्लावर्स को तो देखो। वो ये तो बहुत ही सुंदर है और शानदार भी हैं। ये इनके जैसे फ्लावर ट्री कमाल के होते हैं, क्योंकि एक बार ये ट्री बढ़कर ऊंचे हो जाते हैं तब इन पर ऐसी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं। देखो ठीक यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल एक छोटे से फ्लावर जैसा ही है। सो क्यूट। और फिर कुछ वक्त बाद जब ये बड़ी होने लगती है, ये धीरे धीरे इस तरह खिलने लगती है। बस थोड़ी और बड़ी हो जाए। हाँ, और फिर आखिरकार ये खुल जाती हैं और एक पूरा फ्लावर बन जाती है। हाँ देखो, ये कितना सुंदर है। ये वाला है पिंक और व्हाइट, और ये है थोड़ा येलो। कमाल की बात है ना? हाँ, और इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, हे, हाँ, सेंट। पता है, स्मेलिंग हमारे फाइव सेंसेस में से एक है। वो आज हमने बहुत सी सेंसेस के बारे में सीखा। ये फ्लावर्स बड़े ही शानदार हैं। आप जानते हो, इनसे खुशबू ही नहीं आती बल्कि ये देते हैं ऑक्सीजन भी, जिससे हम सांस लेते हैं। हाँ, ये हमारा ख्याल रखते हैं, और इनसे अच्छी खुशबू भी आती है। तो मैं यहाँ पर और भी फ्लावर्स को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। चलो चले। जरा यहाँ देखो, यहाँ पर कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। इसे कहते हैं कलरफुल गार्डन, और यहाँ पर कुछ बड़े ही सुंदर प्लांट्स हैं। हाँ देखो, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं इनका कलर है येलो, कुछ फ्लावर्स का कलर है व्हाइट, और ये है रेड, और ये कलर है पर्पल। यहाँ पर बहुत से अलग अलग कलर्स हैं, ये बहुत ही सुंदर है। हे, क्या आप जानते हैं इन सभी प्लांट्स में कॉमन क्या है? हाँ, इन सभी प्लांट्स का कलर है ग्रीन। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बड़ी लीव्स हैं और ये सन रेज सोक कर लेती हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं जब प्लांट्स लीव से सन रेज सोक कर लेते हैं और बड़े और मजबूत बनते हैं। प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत ही कमाल के हैं और शानदार भी। मैं यहाँ पर और भी प्लांट्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले, आ जाओ। ओहो, क्या आपने उन पॉट्स को देखा? वो पॉड्स है एक फ्रूट इस फ्लॉस सिल्क ट्री के। वो ठीक यहाँ पर है, चलो देखते हैं। ये फ्लॉस सिल्क ट्री बड़ा ही कमाल है। इस ट्री का नाम है मैकडॉनल्ड। हेलो मैकडॉनल्ड। हाँ, वो एक फ्रूट है। वो सभी पॉड्स ऊपर बड़ी ही ऊंचाई पर लगे हुए हैं, पर वो फ्रूट खाने के लिए अच्छा नहीं। उसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं और उसमें कुछ बालों जैसी कोई चीज भी होती है।
और उसे खाना एक अच्छा ख्याल नहीं होगा। और काश मैं उसे तोड़ पाता, पर ये बहुत ऊंचाई पर है और हम इस पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि देखो इधर आओ, इस फ्लॉस सिल्क के ट्री पर हर तरफ ये बड़े कांटे से हैं। वो ई आ, ये सभी कोन्स पूरे ट्री पर लगे हैं। ये फ्रूट और सीड तोड़ने से एनिमल्स को दूर रखते हैं। जब इसे छूते हैं आ, आ, तो ये बहुत ही ज्यादा चुपता है। हे टच, ये भी फाइव सेंसेस में से एक है। वाओ, टच बहुत ही कमाल का है। पर अगर हम ऐसे किसी फ्लॉस ट्री को टच करते हैं तो आपको ये चुभ भी सकता है। पर देखो, अगर हम ऐसे किसी लीव्स को टच करते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। टच कमाल का है, मुझे बड़ा मजा आया फ्लॉस सिल्क ट्री के बारे में सीखकर और लीव्स के बारे में भी। खैर, यहाँ पर इतना घूमकर मुझे तो जोरों से भूख लग रही है। शायद आपको और मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। तो चलो, मुझे यकीन है हमें कोई टेस्टी चीज मिल जाएगी। हमने कर दिखाया, हमने ढूंढ लिया एक वेजिटेबल गार्डन। हमने बहुत से कलरफुल फ्लावर्स देखे और अब हम देखने वाले हैं कुछ यम्मी वेजिटेबल्स। आ जाओ। जरा ये देखो, ये बहुत ही बड़ा है। वाओ, ये प्लांट तो बहुत बड़ा है। हाँ, इसे कहते हैं कॉलर्ड। बहुत ही यम्मी। हम इसके लीव्स को काट कर इसे पका सकते हैं और बना सकते हैं एक हेल्दी और टेस्टी डिश इस वेजिटेबल से। मुझे कॉलर्ड ग्रीन्स पसंद है। वो जरा इसे देखो, ये प्लांट दिखने में बहुत ही दिलचस्प है। हम इसके लीव्स को नहीं खाते हैं क्योंकि ये है एक आर्टिचोक। हाँ, हम इसके लीव्स को काट कर बीच वाले हिस्से को खाते हैं। क्या बात है, हम इस आर्टिचोक को लेकर बहुत सारे डिप्स और अच्छी डिशेस बना सकते हैं। अब तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। चलो देखें यहाँ पर और कौन से वेजिटेबल्स हैं इस वेजिटेबल गार्डन में। आंखें खुली रखना अपने फेवरेट फूड के लिए। वो ये तो मेरे फेवरेट फूड में से एक है। ये है एक टमेटो प्लांट। वो ये सभी टमेटो थोड़े अजीब से लग रहे हैं, आमतौर पर ये रेड होते हैं, ये वाले है ग्रीन। हाँ, आप देख रहे हो। वो ये देखो, ये है ग्रीन टमेटो। हमें ग्रीन टमेटो नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब ये अभी तक पके नहीं हैं, इन्हें नहीं खाना चाहिए। पर ये रेड होने पर इन्हें खा सकते हैं एक टेस्टी डिश बनाकर, या इन्हें छोटा छोटा काट कर सैंडविच में डालकर खा सकते हैं। खैर, मैं इन टमेटोस को नहीं खाऊंगा, पर ये देखिए यहाँ पर अच्छे से पके हुए कुछ टेस्टी वेजिटेबल्स रखे हुए हैं जिन्हें मैंने पहले ही तोड़ लिया था। देखो, यहाँ है टमेटोस, ग्रेप फ्रूट, लेमन्स और स्ट्रॉबेरीज। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन सब टेस्टी वेजिटेबल्स को खाने के लिए। हे टेस्ट, ये भी हमारे सेंसेस में से एक ही है, और पता है ये मेरा फेवरेट सेंस है। मुझे टेस्टी खाना बहुत पसंद है। क्या बात है, ये बहुत ही टेस्टी होंगे। हे, चलो ऐसा करते हैं, चलो अब आप और मैं एक मजेदार गेम खेलते हैं जिसमें हम देखेंगे इनमें से कौन सा फ्रूट स्वीट है, बिटर है, सावर है और यमी है। चलो देखें, आ जाओ। ठीक है, तो अब मैं इसे रख देता हूँ। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे इस लेमन से। ये लेमन बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, पर क्या लगता है, क्या ये स्वीट होगा या सावर या बिटर? ठीक है। ये लेमन, ये तो बहुत ही ज्यादा सावर है। ये सच में बहुत ही ज्यादा सावर है, पर ये बहुत ही अच्छा है। सही पहचाना। ठीक है, अब दूसरे को चखते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर है एक ग्रेप फ्रूट। हाँ, ये ग्रेप फ्रूट एक अलग तरह का सिट्रस होता है। क्या लगता है, क्या इसका टेस्ट होगा स्वीट या सावर या शायद ये बिटर है? ठीक है, देखते हैं। चलो इसे चखें। क्या आप तैयार हैं? ये थोड़ा यमी है। ग्रेप फ्रूट ये स्वीट तो है, पर इसका टेस्ट थोड़ा बिटर भी है। तो दोनों ही जवाब सही है। बहुत खूब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो जरा इसे देखो। आप इस फ्रूट को जानते ही होंगे,
ये है एक टेस्टी स्ट्रॉबेरी। क्या लगता है ये फ्रूट स्वीट होगा या सावर या फिर बिटर? शायद मैं जानता हूँ ये कैसा होगा। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही स्वीट थी। कितनी यम्मी थी। खैर, हमने बहुत चीजें टेस्ट की, अब बस एक चीज बाकी है। वो और ये है एक टमेटो। पता है मैंने इसे दूसरी चीजों के साथ खाया है, पर मुझे नहीं लगता मैंने इसे ऐसे ही खाया हो। चलो देखते हैं क्या लगता है, क्या इस टमेटो का टेस्ट होगा स्वीट या सावर या शायद बिटर। ठीक है, चलो टेस्ट करें। वाओ, ये तो बहुत यमी है। इसका टेस्ट बिटर है, पर कुछ अलग ही दिलचस्प टेस्ट है इसका। मुझे टमेटोस बहुत पसंद है। ये मजेदार था, मैं एक और बाइट लूंगा। यमी। वाओ, आज हमने जो साथ में गेम खेला वो बहुत ही मजेदार था। खैर, मुझे तो यहाँ पर बहुत मजा आया। चलो चलकर देखते हैं कोई जगह बची तो नहीं, शायद हमें कोई डायनासोर भी दिख जाए। कितना मजा आएगा नहीं। चलो चले। आज आपके साथ गार्डन में जाकर बहुत ही मजा आया। हमने देखे बहुत सारे शानदार प्लांट्स और फ्लावर्स और फाइव सेंसेस के बारे में सब कुछ सीखा। हे, फाइव सेंसेस का इस्तेमाल करके एक गेम खेले तो कैसा रहेगा। अब टाइम हो चुका है बबल लैब का। हम इस्तेमाल करेंगे इस सेंसरी बॉक्स का। हाँ, मैं गेस करूंगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, पर मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। कि इस बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, देखते हैं मैं गेस कर पाता हूं या नहीं। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है और ये थोड़ा गीला है और बहुत चिपचिपा भी। यह है हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, और थोड़ा सा धागेदार भी है। हाँ, ये धागेदार है। हाँ, ये बहुत सारे धागे जैसा लग रहा है। और ये थोड़ा गीला सा भी है, शायद ये है वर्म्स। और क्या हो सकता है? हे, शायद मैं जानता हूँ ये क्या है। ये जरूर होंगे स्पगेटी। देखते हैं मैं सही हूँ या नहीं। ठीक है, देखते हैं। मैं सही हूँ, ये स्पगेटी है। ओ, जरा इन स्पगेटी को देखो। अब जब इसे देख सकते हैं, हम जानते हैं ये क्या है। हाँ, इसे देख सकते हैं और इसे टेस्ट कर सकते हैं। यम्मी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसे टच कर सकते हैं, पर सुन नहीं सकते। और इसे हम स्मेल कर सकते हैं, पर जो इसकी स्मेल है वो कुछ खास नहीं है। इसकी स्मेल बुरी तो नहीं है, पर ये इतनी अच्छी भी नहीं है। इसकी स्मेल है बस स्पगेटी जैसी। ठीक है, तो अब हम इसे यहीं पर रहने देते हैं और देखते हैं कि अब बॉक्स में क्या है। ठीक है, चलो देखें। ये तो बहुत ही गर्म है। वाओ, पता है ये जो भी है पर छूकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत नरम है। वाओ, इसे उठा सकते हैं। वाओ, आप सुन रहे हो। इसे दबाने पर एक अजीब सी आवाज आती है। वाओ, लचीला है और नरम। शायद मैं जानता हूं कि ये क्या है। मुझे यकीन है कि ये है एक स्लाइम। देखते हैं मैं सही हूं या नहीं। वो, देखो तो ये क्या है। अगर मैं इसे देख पाता तो बता पाता ये कौन से कलर का है, पर देखो ये है मेरा फेवरेट कलर, ब्लू। बहुत ही लचीला है। वो, ये जरा सा टूट गया। पर कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे वापस डाल सकते हैं। वो, इसे टच कर सकते हैं और
देख सकते हैं कि यह है ब्लू। वो इससे बहुत अच्छी और साफ स्मेल आ रही है। मुझे स्लाइम की खुशबू बहुत पसंद आई। हाँ, और ये सुनो। हाँ, मैं इसे टेस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। नहीं। हाँ, हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते। इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो हमारी 5 senses कमाल की है। हाँ। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, चलो करते हैं। BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ठीक है, अब मैं कुछ फ्लावर्स लगा लेता हूँ। ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। कर फन ब्लिपी, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं ब्लिपी। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं एक प्यारी सी धुन बजा रहा था मेरे टैम्बोरीन पर। हेलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कमाल होते हैं और इस वाले को कहते हैं एक टैम्बोरीन। इसे बजाना बहुत मजेदार है क्योंकि इसे बजा सकते हैं ड्रम जैसे। इसका ये जो भारी हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इस पर ऐसे मारते हैं। और इस टैम्बोरीन का सबसे मजेदार हिस्सा है इसके पीछे का। वाओ, जरा देखो तो, यहाँ पर लगी है छोटी छोटी जिंगल्स। पता है दोस्तों इस टैम्बोरिन का क्या शेप है? हाँ, ये है एक सर्कल। ओह, हाँ, ये एक सर्कल है। और ये सभी छोटे जिंगल्स भी जो यहाँ हैं, ये भी एक छोटे छोटे सर्कल्स ही हैं। हाँ, और इन्हें कहते हैं जिल्स। ओह, जिल्स। एक बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन यही इसका नाम है। इसे बजाने में बहुत मजा आता है क्योंकि जब उसे ठोकते हैं तब बनती है एक बीट। हाँ, एक बीट। आपने कभी बीट के बारे में सुना है? एक बीट म्यूजिक का ही एक हिस्सा है जिसे सुनकर मन करता है नाचने का। इस टैम्बोरीन के साथ खेलना बड़ा मजेदार है। चलो अब आप और मैं इस टैम्बोरीन के बारे में आज इसी वक्त एक सुरीला गाना बनाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, चलो बनाते हैं। मेरा नाम है ब्लिपी, तुम्हारा नाम क्या है? ये है एक टैम्बोरीन, चलो बजाएं एक साथ। बीट देने से पहले ले लो लंबी सांस, थिरकाओ अपनी कमर और शुरू करो डांस। बहुत खूब, मुझे तो बहुत ही मजा आया। हमने टैम्बोरीन के बारे में सीखा और हमने बनाया एक अपना खुद का गाना। हो, पर जरा इसे देखो, इस टेबल पर रखे हुए हैं अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्हें देखो तो। हे, जरा यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हो कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शेप क्या है? हाँ, ये एक ट्रायंगल है। और जानते हो, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी इसके शेप जैसा ही है। इसे कहते हैं ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल बड़े ही कमाल के होते हैं और इनकी आवाज बहुत ही मधुर होती है। चलो इस ट्रायंगल को बजाते हैं इस छोटी स्टिक से और देखते हैं कैसी आवाज आती है। क्या कहते हो, ट्रायंगल को बजाकर देखें? ठीक है, चलो बजाते हैं।
थ्री गिनने के बाद। वन टू थ्री चलो बजाओ। आपने वो आवाज सुनी? चलो फिर से बजाएं। वाओ! अगर हम आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि कोई परी आई हो, या शायद बेल सुनके लगता है खाना तैयार है। मुझे भूख लग रही है। पर ये ट्रायंगल बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि इससे बहुत ही मधुर आवाज आती है। पर अगर हम इसे अलग तरह से पकड़ें या इसे अलग तरह से बजाएं, तो इससे अलग आवाज आएगी, कुछ इस तरह। अलग सी आवाज है। इतनी मधुर नहीं है, पर कमाल की जरूर है। इससे एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बन सकता है। इसे धीरे से भी बजा सकते हैं, धीमी आवाज के लिए। या फिर इसे बहुत जोर से भी बजा सकते हैं। चलो बजाएं। वाओ, ट्रायंगल्स बड़े ही कमाल के हैं। हे, जरा देखो ये क्या है? ये क्या है? ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये है एक मेट्रोनोम। हाँ, पता है, इसकी मदद से ही हम बीट को एक धारा में रखते हैं, जिससे बीट बराबर बजे। हाँ, ये इसे देख रहे हो? ये मेट्रोनोम दाएं बाएं हिलकर बताएगा कि एक गाने का बीट कितना तेज है। ठीक है, शुरू करते हैं। और हमारे इस मेट्रोनोम में एक बहुत कमाल की बात है। आप घंटी सुन रहे हो? वाओ, देखा, ये दाएं और बाएं हिलकर हमें गाने का बीट बताता है। मुझे तो चक्कर आने लगे हैं इस मेट्रोनोम की तरह डांस करके। ये बड़ा ही मजेदार था। हे, पता है, बहुत जरूरी है कि कोई भी गाना हमेशा बीट पर रहे, और मेट्रोनोम की मदद से हम हमेशा बीट पर रह सकते हैं। वो, जरा इसे तो देखो, ये तो कमाल का है। मुझे यकीन है आपने इस इंस्ट्रूमेंट को पहले जरूर देखा ही होगा। हाँ, ये है एक कीबोर्ड या फिर एक पियानो। और ये कीबोर्ड बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि यह है एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, यह है एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। या बैटरीज से भी चलता है। वो, और देखो तो ये कितना कमाल है, इस पर कितनी सारी कीज हैं। देखो, यहाँ है कुछ वाइट कीज। हाँ, बहुत सारी वाइट कीज जिन्हें उंगलियों से दबाते हैं, और कुछ ब्लैक कीज भी हैं। हाँ, इन वाइट कीज के बीच में हम इन्हें भी दबा सकते हैं अलग नोट बजाने के लिए। नोट्स, नोट क्या होता है? चलो इसे शुरू करते हैं और पता करते हैं। आपने ये सुना? इससे कितनी प्यारी आवाज आती है। अगर हम दबाते हैं कोई भी एक की, तो बनता है एक नोट। और अगर हम इस कीबोर्ड पर साथ में कोई और की भी दबाते हैं, तो वो एक नोट बन जाएगा। वो, इस नोट की अलग ही आवाज है, और इससे मुझे थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है। ये नोट बहुत ही हैप्पी लग रहा है। ये नोट लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज। वो, और हम कीबोर्ड पर गाने भी बजा सकते हैं, वो भी कई नोट्स इस्तेमाल करके। कीबोर्ड की एक खास बात यह है कि इसमें बहुत सी आवाजें हैं,
और आप हर तरह की आवाज निकाल सकते हैं, जैसे कि शायद आप चाहोगे कि गाना थोड़ा सा डरावना सा हो, हैलोवीन जैसा। जैसे आसपास कोई भूत आया हो। बहुत ही मजा आ रहा है। और ऐसा म्यूजिक भी बजा सकते हो जो थोड़ा अलग हो, जैसे कि क्लासिकल या फिर सीरियस। वो अब कुछ खाने का मन कर रहा है। बहुत सी यमी चीजें और कुकीज। इसे अलग तरह से भी बजा सकते हैं, वो भी बिना इस्तेमाल किए हमारी फिंगर्स। वाओ, जैसे चाहो बजा सकते हो इस्तेमाल करके अपना हैंड। देखो, पहले साउंड बदलते हैं, फिर मुट्ठी बांधते हैं और मुट्ठी को ऐसे घुमाकर एक सॉन्ग बजा सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ा ही मजेदार सॉन्ग है। मैं फिर से बजाता हूँ। कीबोर्ड्स तो बड़े कमाल के हैं। हम ऐसा सॉन्ग भी बजा सकते हैं जो लग ये मैं हूँ फ्लिपी और आज हम सीखेंगे कि क्या होता है एक मैटर। हाँ, आप जानते हो मैटर? हाँ, कोई भी चीज जो जगह लेती है। मैं एक मैटर हूँ और आप एक मैटर हो, और मैटर के बारे में सीखना जरूरी है। कमाल है ना। और मैटर के 3 काइंड्स होते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी कि एक ऐसी चीज जो अपने आप में जुड़ी हुई हो। हाँ, जैसे कि ये मेरे ग्लासेस, देखो ये ग्लासेस बने हुए हैं प्लास्टिक से और ये बहुत ही हार्ड है। ये है सॉलिड। मैटर की एक और स्टेट होती है, वो है लिक्विड। हाँ, एक लिक्विड कसकर जुड़ा नहीं होता, वो थोड़ा कम जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ये वाटर जिसे हम पीते हैं, ये वाटर बहता है और हमेशा शेप बदलते रहता है। हाँ, पहले इसका शेप था बड़े से जार जैसा और अब इस कंटेनर जैसा है, और ये हर एक बार एक नया शेप ले सकता है। जैसे कि इस टेढ़े मेढ़े स्ट्रॉ को ही ले लो। क्या टेस्ट है, मैं तो फ्रेश हो गया। और मैटर की लास्ट स्टेट है गैस, और गैस ऐसे सॉलिड की तरह अपने आप से ऐसे जुड़ा नहीं होता और वो लिक्विड के जैसे लचीला बनकर शेप नहीं ले सकता। नहीं, ये गैस ये होता है आजाद और बहुत ही हल्का, और उसके पार्टिकल्स हवा में कहीं पर भी जा सकते हैं। किसी भी रुकावट के बिना। पता है, हम जो सांस लेते हैं वो गैस है। और गैस से जो हम सांस लेते हैं उससे हम बड़े मजे के साथ फुला सकते हैं ये बलून। ये मजेदार था। वेल, तो आज हमने क्या सीखा, चलो दोहराएं। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। पर क्या आप जानते हो कि कुछ कुछ चीजें होती हैं 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, सिर्फ एक सॉलिड ही नहीं या सिर्फ एक लिक्विड ही नहीं। हे, चलो हम मिलकर बनाएं थोड़ी सी स्लाइम या एक ओब्लेक। हाँ, ओब्लेक हो सकता है एक सॉलिड भी और हो सकता है एक लिक्विड भी। हाँ, इसे एक साथ बनाने में हमें बहुत मजा आएगा। पर पहले हमें सब सामान चाहिए होगा। लगता है यहाँ पर कुछ सामान तो है। हमें चाहिए बोल। हाँ, एक बोल और इसका ढक्कन भी है, और सबसे जरूरी चीज है कॉर्न स्टार्च। वाओ, जरा देखो तो बर्फ गिर रही है। कॉर्न स्टार्च और
मेरे पास यहाँ पर ये भी है, ऑरेंज ग्लिटर, इसे डेकोरेट करने के लिए। यहाँ और क्या है? यहाँ है थोड़ा वाटर और और ये है खाने का कलर, ताकि इसे हम बना सके मेरी फेवरेट कलर का, ऑरेंज और ब्लू। ठीक है, शायद हम ओब्लैक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहले हमें पहन लेना चाहिए हमारा ये एप्रन, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स करते समय कपड़े गंदे भी हो सकते हैं। अब हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो पहले हमारा बोल लेते हैं और लेते हैं ये मेजरिंग कप और इसे कॉर्न स्टार्च के आटे से हम 1/3 भर देते हैं। बस इसे आप भर दो, ठीक उतना ही होना जरूरी नहीं है। अगर ये 1/3 के करीब करीब हुआ तो भी काम चल जाएगा, जितना मुमकिन हो। वो ठीक है, अब हम कॉर्न स्टार्च को इसके अंदर डालते हैं। खैर ओब्लैक के लिए हमें चाहिए 2 कप कॉर्न स्टार्च के और 1 कप वाटर, तो चलो वैसा फिर से करते हैं। बढ़िया, तो हमने कॉर्न स्टार्च तो डाल दिया और अब हमें इसमें डालना होगा 1/3 कप वाटर का। ओब्लैक ऐसे ही बनता है, बस कॉर्न स्टार्च और वाटर। चलो इसे डालते हैं, इसे ठीक से भर दो। हाँ सिर्फ यही चाहिए, बस थोड़ा सा वाटर ऐसे डाल दो और अब मजेदार हिस्सा, हम हमारे हाथों से इसे मिक्स करने वाले हैं। ये बहुत चिपचिपा होने वाला है। ठीक इस तरह से इस उबले को मिक्स करना बड़ा मजेदार है। देखो ये कॉर्न स्टार्च कितना चिपचिपा है और ये वाटर के साथ मिक्स हो रहा है। हाँ, हम इसे ऐसे घुमा सकते हैं, ध्यान रखें कि सब कुछ ठीक से मिक्स हो जाए। हाँ इस तरह से मिक्स करो। ओ, अब ये बहुत ही चिपचिपा हो रहा है और बहुत ही स्लाइमी। इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, इसे यूं छूना मिक्स करना बहुत ही मजेदार है। खैर शायद अब ओब्लैक तैयार है, ये परफेक्ट लग रहा है। अब मैं पेपर टॉवल से हाथों को पोंछ लेता हूँ। शायद हमें और कॉर्न स्टार्च डालना चाहिए। अगर आपका ओब्लैक थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया हो तो थोड़ा कॉर्न स्टार्च लो, उसे डालो और मिक्स कर दो। क्या आपको पता है दोस्तों, हमारे इस ओब्लैक को और खास बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी ग्लिटर डालूंगा। वो ठीक है, चलो इसे डाले। ये ओब्लैक बड़ा ही अच्छा बनने वाला है और बहुत ही ज्यादा चिपचिपा भी बनने वाला है। ठीक है चलो इसे मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारे पास है ये ओब्लैक और ये ग्लिटर, वो भी अच्छे से मिक्स्ड। ये ओब्लैक तो बहुत ही कमाल का है। खैर ओब्लैक जैसा कि हमने कहा था है लिक्विड और एक सॉलिड भी। देखो जब आप ओब्लैक को लेते हैं और इससे उड़ेलते हैं तो ये लिक्विड जैसा गिरता है। वाओ! देखो तो सही, वाओ! हाँ ये लिक्विड जैसा ही है, पर ये लिक्विड जैसा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चम्मच से या अपने हाथों से उसके ऊपर मारते हो तो ये चारों दिशाओं में एकदम से फैल जाएगा। अब देखिए, अब इस चम्मच से देखो इसे मारने पर ये बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। नहीं, ये ऐसे ही जुड़ा हुआ है और फैल नहीं रहा है। बिल्कुल एक सॉलिड की तरह। वो ओब्लैक बहुत ही कमाल का है। देखो वो। खैर ये कमाल की बात है, पर क्या आप जानते हो आप ओब्लैक के साथ बहुत सी चीजें कर सकते हो। हाँ इधर आइए, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर रखा है एक बहुत ही बड़ा स्पीकर। आप भी एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हैं। हम इसे एक प्लास्टिक की शीट से कवर करेंगे और फिर हमारा ये जो ओब्लैक है हम डालेंगे इस प्लास्टिक के ऊपर जो स्पीकर पर है। जरा देखो तो कैसे गिर रहा है।
ठीक है। और अब जो हमने स्पीकर पर इसे डाल दिया है, अब बजाएंगे थोड़ा सा म्यूजिक। म्यूजिक, जब हम इस स्पीकर से म्यूजिक को चलाएंगे तब उससे ये ओब्लेक डांस करेगा। वाओ, क्योंकि ये ओब्लेक एक लिक्विड जैसा भी है और एक सॉलिड जैसा भी है। अब ये बहुत ही कूल चीजें करने वाला है। देखते हैं ये कैसे डांस करेगा। आपने वो देखा ना, ये ओब्लेक यहाँ डांस कर रहा था और बहुत से अलग अलग मजेदार शेप्स ले रहा था। कमाल की बात है ना। खैर, ये एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट था, पर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ओब्लेक को सिंक में मत डालना। इसे डस्टबिन में फेंकना, क्योंकि अगर आप ओब्लेक को सिंक में डालेंगे तो जानते हो ना किसे बुलाना होगा, एक प्लम्बर को। समझ गए ना। खैर, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगी? ठीक है, चलो करते हैं। BLIPPI ब्लिपी, बहुत खूब। खैर, मैं उबले के साथ थोड़ा और खेलता हूँ, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं फीस्ट ऑन दिस, जो है सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज आप और मैं सीखने वाले हैं एक केटरिंग कंपनी के बारे में। ये हर तरह का टेस्टी फूड बनाते हैं स्पेशल इवेंट्स के लिए, जैसे बर्थडे या वेडिंग्स। इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो चले। हेलो। वो देखो तो ये किचन कितना कमाल का है। हे, वो वहां पर कौन है? हेलो, ये मैं हूँ ब्लिपी। हाय ब्लिपी। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है माइकल और मैं अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। क्या बात है। और ये है मैथ्यू। ओ हाय मैथ्यू। हेलो, मैं हूँ शेफ मैथ्यू बेकर। मैं फीस्ट ऑन दिस केटरिंग कंपनी का ओनर हूँ। और पता है क्या, मैं सुन नहीं सकता, इसीलिए यहाँ हमारे पास एक इंटरप्रेटर है ताकि हम बात कर सके। कमाल की बात है। चलो ऐसा करते हैं, मुझे यकीन है शेफ मैथ्यू की मदद से हम बना सकते हैं कुछ यम्मी फूड। ठीक है, शायद हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। वो तो शेफ मैथ्यू, आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो हम बनाएंगे फ्रूट पिज्जा। और जब ये बन जाएगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। वो देखो तो सही, ये है एक पिज्जा पर ये तरह तरह के फ्रूट से ढका हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। वो बहुत टेस्टी होता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो शेफ मैथ्यू, सबसे पहले क्या करना होगा एक फ्रूट पिज्जा बनाने के लिए? ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ शेफ ब्लिपी है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसे खोलेंगे। तो क्या ब्लिपी, तुम मेरे लिए इसे खोल सकते हो? ठीक है, और क्रस्ट बना लो। ओके, पहले हमें इसे खोलना होगा, इसका कवर निकाल देते हैं, है ना? और फिर बड़ा ही आसान था, आपने वो सुना? देखो तो सही, बड़ा ही चिपचिपा है। अब इसे बाहर निकालते हैं
वो देखो तो वो ठीक है। और अब इसे खोल लेते हैं, हमें इसे सपाट बनाना होगा, ठीक इस तरह से, बिल्कुल ऐसे। इसे ऐसे खोल लेते हैं, ये बड़ा ही चिपचिपा है, इसके बनने तक का इंतजार नहीं हो रहा, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर टू पर। तो अब हमें ये करना होगा कि हमें इसे ओवन में रखना होगा 350 डिग्रीज पर। इसका मतलब ये टाइम है डांस करने का। पिज्जा क्रस्ट के पकने का इंतजार करते करते हमें क्या करना चाहिए? एक मजेदार डांस करना चाहिए। वो डांस करते करते मैं तो बहुत ही थक गया हूँ। अब शायद हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स पर काम शुरू कर देना चाहिए। हम थोड़ी देर बाद आकर क्रस्ट को ले जाएंगे। ठीक है, चलो वहाँ चले। ठीक है, तो आगे क्या करना होगा? तो अब हम बनाएंगे क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। ओह, वो तो बहुत यम्मी है। ठीक है, तो क्रीम चीज, बढ़िया। और शायद अब हम इसमें डालने वाले हैं 8 ounces ऑफ क्रीम चीज, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे ये पाउडर्ड शुगर। ठीक है, क्या तुम मुझे हाफ अ कप मेजर दोगे? हाँ, हाफ अ कप। हाँ, ये रहा, हाफ अ कप। ठीक है, इसे फुल भर देंगे। वाओ, इस शुगर को देखो, ये बर्फ जैसी लग रही है। वाओ, ये बड़ी कमाल है, और छूने पर बहुत ही सॉफ्ट लगती है। मुझे यकीन है इससे ये बड़ा टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो शुगर को लेते हैं और इसे इसके ऊपर डाल देंगे। एक सेकंड रुक जाओ, तुम सब गंदा कर दोगे, तुम्हें पहले एप्रॉन पहनना होगा। ओ, मैं तो भूल ही गया था, मैं भी ना। चलो इसे पहने। तुम गंदगी नहीं करना चाहते? हाँ, हमेशा ध्यान रखे और एप्रन जरूर पहने, ताकि कपड़ों पर बारीक पीसी शुगर ना लग जाए या कुछ और। ठीक है, शायद अब मैं पूरी तरह, मदद चाहिए? तैयार हूँ। थैंक्स। अब तुम इसे डाल सकते हो। ठीक है, चलो इसे डालें। वाओ, इसे देखो तो। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? तो अब तुम उसमें डालोगे 2 tablespoons पाइनएप्पल जूस के, जो वहाँ है। ठीक है, चलो इसे डालें। 2 tablespoons भर के पाइनएप्पल जूस। ठीक है, 1 tablespoon और 2 tablespoons। वो ये भी सही बड़ा टेस्टी लग रहा है। ठीक है, अब इसे मिक्स कर दो। ठीक है, अब हमें इसे मिक्स करना होगा, तो चलो करते हैं। 15 minutes हो गए। चलो अब चेक करें ओवन। और शेफ मैथ्यू, इन्होंने मुझे दो बड़े ही सुंदर ऑरेंज ग्लव्स दिए, और ये मेरा फेवरेट कलर है। चलो क्रस्ट को निकालते हैं। ठीक है, हमारा क्रस्ट ठीक यहाँ है। और ये बहुत ही फ्लेकी और गोल्डन ब्राउन है। मैं इस क्रस्ट को खाने का इंतजार नहीं कर सकता। पर पहले इस पर थोड़ी सी टॉपिंग डाल देते हैं, क्योंकि उनसे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो चले, इसे थोड़ा और ठंडा होने देते हैं। तब तक हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ठीक है, और अब यहाँ जितने फ्रूट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। बढ़िया, तो ये है एक बनाना। ओके, इसे काटना होगा। एक बात याद रखना, नाइफ की जरूरत पड़े तो हमेशा आपके साथ कोई प्रोफेशनल हो, जैसे शेफ मैथ्यू, या फिर किसी बड़े की मदद लें, क्योंकि नाइफ्स थोड़ी सी डेंजरस है। ठीक है, चलो इसे काटें। वो आप तो काटने में एक्सपर्ट हैं। मैं भी कोशिश करूंगा। चलो इसे काटें। ठीक है, तो अब जब बनाना कट चुके हैं, तो आगे क्या करें? तो अब हमारे पास है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज, आपने ये देखा, शेफ मैथ्यू हमें सिखा रहे थे कि ब्लूबेरी कैसे कहते हैं ASL में, या अमेरिकन साइन लैंग्वेज। और ये है कीवी। वो इन्हें देख रहे हो? ये बड़े टेस्टी लग रहे हैं। कीवी के लिए कोई साइन लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसे स्पेल करना होगा। ठीक है, के, ओके, के आई डब्ल्यू डब्ल्यू आई आई। वो ये तो बड़ा ही कमाल था। चलो
देखते हैं हम फिर से स्पेल कर पाते हैं या नहीं, पर थोड़ा स्लोली। और इस बार अगर आप चाहो तो आप भी हमारे साथ कर सकते हो। आप तैयार हो? चलो। के आई डब्ल्यू आई कीवी। इसके लिए साइन नहीं है तो हमने स्पेल कर दिया। ओह, हमें इनके साथ क्या करना होगा? ये है स्ट्रॉबेरीज। वो वैसे क्या आपने कभी कीवी को खाया है? वो बहुत स्वीट होते हैं। शेफ मैथ्यू, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मुझे पसंद है स्ट्रॉबेरीज, मुझे वो बहुत पसंद है, पर समर के दौरान मुझे ब्लूबेरीज पसंद है। मुझे भी समर में ब्लूबेरीज खाना पसंद है। वाओ, इस स्माइली फेस की स्माइल तो बहुत ही बड़ी है। देखो तो। तुमने इसकी नोज नहीं बनाई? ओह नो, अब हम इसकी नोज कैसे बनाएंगे? एक मिनट रुको, मुझे पता है। यहाँ है कुछ स्ट्रॉबेरीज। मैं भूल ही गया था, ये इसकी एक बढ़िया सी नोज बनेगी। और ये स्माइली फेस बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि ये हर पल स्ट्रॉबेरीज को सूंघ सकता है। ठीक है, नोज तो बन गई और हम इसमें और स्ट्रॉबेरीज डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो चलो बनाते हैं स्ट्रॉबेरीज। टू ईयर्स, हाँ दोनों साइड में ईयर्स बनाते हैं। इसकी टंग भी बना दो। ओ, एक टंग। वाओ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है, ऐसा लगता है हमारे पिज्जा की सजावट अब पूरी हो गई है। वाह, मुझे तो आज बहुत मजा आया ASL के बारे में सीखकर और एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी स्माइली पिज्जा बनाकर। एक मिनट रुक जाओ ब्लिपी, तुम एक चीज तो भूल ही गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो फ्रूट पिज्जा बनाने के लिए यूज होती है वो है पाइनएप्पल ग्लेज। द ग्लेज, वो ये काम मैं आपको करने देता हूँ शेफ। शायद ग्लेज को इसे ऊपर डालना होगा। वाओ, देखो तो। ये ग्लेज इसे और भी टेस्टी बना देगा और बहुत ही स्वीट। वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू शेफ मैथ्यू, आपने कमाल कर दिया। इस पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और शेफ की मदद लेकर हमने बनाया टेस्टी यमी पिज्जा हमारे खाने के लिए। और आपके साथ मिलकर बहुत मजा आया, और आपके साथ भी मिलकर हमने बहुत मजे किए। हे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम मेरा नाम साथ मिलकर स्पेल करते हैं। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, चलो करते हैं। BLIPPI। बहुत अच्छे। खैर, हम जल्दी मिलते हैं। बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं बस खेल रहा हूँ इस सब बबल्स के साथ। मुझे बबल्स बहुत पसंद है। और आपको? आज इस वीडियो में आप और मैं एक कमाल के इंसान से मिलने वाले हैं जो बबल्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। आप तैयार हो? चलो चले। ये तो बड़ा ही कमाल है। शुक्रिया ब्लिपी। रुको, तुम कौन हो? मैं हूँ मेगन द बबलोलॉजिस्ट। बबलोलॉजिस्ट, वो क्या होता है? मैं सभी तरह के बबल्स बनाती हूँ। बबल्स, मुझे वो बहुत पसंद है। तो क्या तुम मुझे एक दिखाओगी? क्यों नहीं, मैं बनाती हूँ बिग बबल्स। वाह, ये तो है एक बिग बबल। और मैं स्मॉल बबल्स भी बनाती हूँ। सच में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, ये है स्मॉल बबल्स। मेगन ने अभी बनाए बिग बबल्स और स्मॉल बबल्स। वाओ, कमाल की बात है। मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, पर कैसे करूं? तुम इनमें से किसी भी बबल वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसे लेता हूँ। वाओ, यहाँ पर है एक बिग सर्कल। हेलो। ठीक है, आगे क्या? तो तुम इसे अच्छे से बबल सॉल्यूशन में भिगा दो। ठीक है। और ध्यान रहे कि अच्छे से गीला हो जाए। ओके, भिगा दिया। और फिर इसे बाहर निकालो और ऐसे घुमाओ। वाओ, क्या कमाल है। मेरी बारी। 3, 2, 1। ये तो फूट गया। फिर करते हैं। 3, 2, 1। फिर से फूट गया। ये तो मजेदार है। वाह,
ये है एक स्मॉल बबल। मुझे बबल्स बनाना बहुत पसंद है। कितनी कमाल की बात है कि ये सभी इक्विपमेंट्स बड़े ही कलरफुल हैं। जैसे कि ये वाला, इस इक्विपमेंट का कलर है येलो और ग्रीन। और ये वाला है रेड और ब्लू। वाव, कितनी कमाल की बात है, मुझे कलर्स पसंद है। और क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम पहले बबल्स बना रहे थे, हम इन बबल्स में हर तरह के रंग देख सकते हैं। ओह हाँ, वो दिख रहे हैं, वो बिल्कुल रेनबो जैसे हैं, लेकिन कैसे? हाँ वही तो। वेल, बबल पर रोशनी चमकती है और रिफ्लेक्ट होती है, और इसलिए हमें रेनबो के सभी रंग दिखाई देते हैं। वाओ, मुझे रेनबोस पसंद है। तुम्हें पता है रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल पता है, रेनबो में होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। कलर्स, रेनबोस और बबल्स। और ये वॉन्ड है ट्रायंगल। और ये वॉन्ड है एक स्टार। और ये वॉन्ड है एक स्क्वायर। और ये वॉन्ड है एक हार्ट। और ये वॉन्ड है एक फ्लावर। तुमने ध्यान दिया कि हमने जितने भी बबल्स बनाए सभी सर्कल शेप में थे? सच में? लेकिन क्यों? क्योंकि चाहे हम कोई भी शेप ले लें, एक बबल हमेशा ही सर्कल शेप में रहेगा, क्योंकि बबल के लेने के लिए एक सर्कल ही एफिशिएंट शेप है। वाव, अब मुझे समझ आ गया, कमाल की बात है। पर एक सेकंड रुको, बबल मैजिक यूज किया तो वैसा नहीं होगा। बाद में मिलते हैं, बाय बाय। वाह, हे, मेरे पास तुम्हारे लिए खास बबल है। सच में? खास से तुम्हारा क्या मतलब? मैं बना सकती हूँ एक इंसेक्ट बबल। वाह, सच में? पर कौन सा इंसेक्ट? मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, उसे जमीन पर रेंगना पसंद है। ओके। और उसे खाना पसंद है वेजिटेबल्स। मुझे भी वेजिटेबल्स पसंद है। और वो आगे जाके मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है लाइफ में। मेटामॉर्फोसिस? मुझे पता है वो कौन सा इंसेक्ट है। हाँ, वो है एक कैटरपिलर। सही पहचाना ब्लिपी। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा बबल है। ठीक है, पर पहले मुझे चाहिए मेरा ब्लू सर्कल वॉन्ड और मेरा येलो स्ट्रॉ। वाओ, परफेक्ट। वाओ, लगता है तुम रख रही हो एक सर्कल बबल एक दूसरे सर्कल बबल पर। सही कहा। और एक सर्कल बबल, तो यहाँ है थ्री सर्कल बबल्स एक साथ जुड़े हुए। 1, 2, 3, 4। वाओ, देखो एक और बबल, 5 सर्कल। अब सिर्फ 4 सर्कल बबल्स हैं। बढ़िया है। वाह, मुझे लगता है कैटरपिलर्स बड़े ही कमाल होते हैं, क्योंकि वो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। हे, मैंने देखा वो कौन से इंसेक्ट्स में बदल जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बाद वो बन जाते हैं एक बटरफ्लाई। इसे भिगाते हैं। बटरफ्लाई बबल्स, कैटरपिलर बबल्स। Woohoo!
वाओ, जरा इसे देखो, यह है क्लाउड बबल। इसे फोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, चलो फोड़े। मुझे बबल्स फोड़ना पसंद है। वाओ, वो तो एक बड़ा बबल था। तो आज हमने बबल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने उन कलर्स को सीखा जो वॉन्ड पर थे, और बबल्स के उन कलर्स के बारे में भी सीखा, उन सभी वॉन्ड्स के शेप्स भी। हमने इस बारे में भी सीखा कि चीजें कैसे होती है बिग और कुछ होती है बहुत ही स्मॉल, लेकिन हमें उस प्यारे इंसेक्ट के बारे में नहीं भूलना चाहिए। पर ये क्या है? Well, मैं तुम्हारे लिए एक बिग बबल वॉन्ड लाई हूँ। मुझे बिग बबल्स बहुत पसंद है। आप क्या करें? Well, वो एक सरप्राइज है। ओके, मुझे सरप्राइजेस पसंद है। पर पहले तुम्हें इसके बीच में खड़े होना होगा। ठीक है। अब आंखें बंद करो। कर दिया। अब खोलो उन्हें। जरा देखो तो, मैं एक बबल के अंदर हूँ। वाह, कितनी कमाल की बात है। क्या हम फिर से एक बार कर सकते हैं? क्यों नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे मैं बबल के अंदर तैर रहा हूँ। ये क्या है? तो ये है एक रेनबो बॉल। वाओ, एक रेनबो बॉल, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो पहले इसे खोलते हैं। वाओ, और फिर ऐसे घुमाओ। ओहो, ये तो बहुत सारे बबल्स बनाता है। और तुम इसे रेनबो बॉल कहती हो क्योंकि इस पर बहुत सारे कलर्स हैं, है ना? सही कहा। हमें बबल्स के बारे में सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेगन। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बढ़िया, खैर बाद में मिलते हैं। बाय। मैं एक बबल की तरह डांस कर रहा हूँ। आज तो बहुत ही मजा आया आपके साथ बबल्स के बारे में सीखकर, शेप्स और कलर्स और साइजेस और इंसेक्ट्स। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, चलिए बाद में मिलते हैं। ये हे, शानदार म्यूजिक। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी, और मैं अभी एक धुन पर थिरक रहा था। अब जरा इसे देखो। आप देख रहे हो, ये है एक टाई डाई शर्ट, और आज आप और मैं बनाने वाले हैं एक टाई डाई शर्ट। वाओ, ये कितना कलरफुल है। देखते हैं इसमें कौन से कलर्स हैं। ऊपर यहाँ पर है कलर ब्लू, हाँ, और उसके नीचे लग रहा है ये कलर है पिंक या रेड, पिंकिश रेड। और फिर उसके नीचे है येलो, जो सन का कलर होता है, और सबसे नीचे ऑरेंज कलर है। आप देख रहे हो, वाओ, ये शर्ट बहुत शानदार है। ठीक है, चलो कुछ सामान लेकर आते हैं और एक खुद का टाई डाई शर्ट बनाते हैं। वो देखो तो, यहाँ पर वो सभी सामान मौजूद है जिससे बनाएंगे हम एक टाई डाई शर्ट। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम खुद बनाने वाले हैं। तो पहले हमें लेनी होगी एक व्हाइट टी शर्ट, हाँ बिल्कुल ऐसी ही, और फिर हम लेंगे एक डाई। हाँ, पहले देखते हैं एक फैब्रिक डाई। ये है एक ऑरेंज फैब्रिक डाई, और ये वाली है रेड, और ये वाली है ब्लू, और ये वाली है पर्पल, और ये वाली है येलो। और यहाँ है कुछ रबर बैंड्स, हमें इनसे शर्ट को कस के बांधना होगा और इस पर डाई छिड़कनी होगी।
पर पहले पहने होंगे ग्लव्स, नहीं तो हाथों पर लग जाएंगे दाग, और मैं वैसा नहीं चाहता। और हमें लगेगी एक बैग इस सब के बाद। मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या काम है। और थोड़ा पानी, ठीक है। तो पहला कदम, हमें इस शर्ट को पानी से भिगोना होगा। ठीक इस तरह से इसे अच्छे से भिगोते हैं। वाह, ये पानी सच में बहुत ठंडा है। ठीक है, सारे पानी को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। वाह, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ठीक है, और फिर इसे इस टेबल पर ऐसे रख देते हैं। हाँ, और टाई डाई की एक खास बात है, हम बना सकते हैं बहुत सी अलग अलग प्यारी डिजाइन्स, और ये निर्भर है कि हम इसे कैसे दबाते और मोड़ते हैं और इसे रबर बैंड से कैसे बांधते हैं। तो चलो फिर बनाते हैं एक स्वर्ल। मुझे स्वर्ल पसंद है। हाँ, जैसे कि एक आइसक्रीम का स्वर्ल। मुझे आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, बस हो गया, ऐसे घुमाते रहो, स्वर्ल बनाओ। ओह, बढ़िया। वाओ, मैं कलर्स चुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ठीक इस तरह से। और अब यहाँ है एक अच्छे से घुमाई हुई शर्ट। इसे आप दबा भी सकते थे, पर मैंने इस शर्ट को स्वर्ल किया। और अब हम इन रबर बैंड्स को लेते हैं और इसे ऊपर से नीचे तक रबर बैंड से ठीक से लपेट लेते हैं। ठीक इस तरह से। हाँ, ये व्हाइट शर्ट अब बहुत कलरफुल होने वाला है। ठीक है, ये हैं दो रबर बैंड्स और ये है तीसरा रबर बैंड। बढ़िया, ये कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये रहा चौथा रबर बैंड। वाओ, मेरे साथ चार तक गिनती करोगे? तैयार? 1, 2, 3, 4। बहुत खूब। ठीक है, अब हम हमारे कलर्स चुनने वाले हैं, पर याद है ना, पहले पहनेंगे ग्लव्स। ठीक है, पहन लेते हैं। 1 ग्लव। टू ग्लव्स। 1, 2। ठीक है, चलो देखें, यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं। ऐसा करते हैं, अब मैं मेरे पसंदीदा दो कलर्स चुनूंगा। मेरे दो पसंदीदा कलर्स, जानते हो वो कौन से दो कलर्स हैं? हाँ, आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, ये रहे वो दो कलर्स। और अब ढक्कन निकाल लेते हैं और फिर आप इस व्हाइट कलर की शर्ट पर जैसे चाहे वैसे कलर डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा ब्लू कलर यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ी जगह छोड़कर थोड़ा ब्लू कलर यहाँ डालता हूँ, और थोड़ा ब्लू कलर यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर। वाह, ये शर्ट पूरी तरह से व्हाइट थी, लेकिन अब ये कौन से कलर की है? हाँ, यहाँ दो कलर्स हैं, ब्लू और व्हाइट। हाँ, ठीक है, थोड़ा और डालते हैं। वी, वी, वी। ठीक है, तो चलो अब दूसरा कलर डालते हैं, जो है कलर ऑरेंज। तो अब जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है, उसे अच्छे से ऑरेंज बनाते हैं। ठीक इस तरह। वाओ, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ डालते हैं, बढ़िया। वाओ, क्या बात है। वाओ, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। देख रहे हो, यहाँ है ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, इसे नीचे रखते हैं और अब लेते हैं ये बड़ा सा प्लास्टिक बैग और शर्ट को इसके अंदर रख देते हैं और फिर इसे बंद कर देते हैं और अब इंतजार करते हैं। हमें इसे इसके अंदर रखना होगा कम से कम 6 आवर्स। अगर आप चाहो तो इसे आप 24 आवर्स तक भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसे जितना ज्यादा अंदर रखेंगे, इसके कलर उतने ही गाढ़े और खिले हुए दिखेंगे आपको। शायद हमें इंतजार करना चाहिए 8 आवर्स। तो चलो करते हैं।
इंतजार लगभग खत्म हुआ, पर मैं कुछ और करना चाहता हूँ। दो कलर्स को मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा कलर बनता है। पहले लेते हैं थोड़ा ब्लू कलर। वो हो, देख रहे हैं? वो हो, ये शानदार है। वाओ, ब्लू वाटर। और अब हम लेते हैं रेड कलर, कैसा रहेगा? उम्मीद है ये मुझ पर टपक ना जाए क्योंकि मैंने अभी ग्लव्स पहने हुए नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। ब्लू और रेड। वो ये कौन सा कलर है? अब मैं इसे चिमटे से मिक्स करूंगा। वाओ, ब्लू और रेड मिलाकर बनता है पर्पल। वाओ, चलो इसमें थोड़ा रेड कलर और डालते हैं। वाओ, अब ये बन गया है डार्क पर्पल। वाओ, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से हमारी टी शर्ट अब तक तैयार हो गई होगी। इसे बैग के अंदर कई घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं इस बैग को सिंक पर ले जाता हूँ और ये रबर बैंड्स निकाल कर इसे धो लेता हूँ और फिर मैं इसे ड्रायर में सुखाने ले जाऊंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? वाह, ये तो कमाल हो गया। शर्ट बनकर तैयार है। वाह, ठीक है, इसे देखो तो, आप देख रहे हो? वाह, हाँ, यह है ब्लू और ऑरेंज। आप देख सकते हो मैंने कहाँ पर स्वर्ल किया था? हाँ ठीक, यहाँ पर। वाओ, कमाल की बात है, अब पहन कर देखते हैं। वाओ, मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत ही शानदार है ना? मुझे टाई डाई शर्ट बनाना बहुत पसंद है। मुझे टाई डाई शर्ट बनाना सच में पसंद है। और शायद अब अपने घर पर आप भी अपनी टाई डाई शर्ट बना पाओगे। आपकी बनाई हुई शर्ट देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, खैर ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, ठीक है, तो बाद में मिलते हैं।